अच्छा तो मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड। लास्ट मैंने क्या दिया था यार आपको? अच्छा ये तो दूसरा वाला है ना, बैज 8 आपका है। अच्छा डेट एंड टाइम पढ़ाया था मैंने, और बर्थडे कैलकुलेटर बनाने के लिए दिया था मैंने। बिल्कुल सही याद आ गया। हाँ भाई, तो किस किस ने बना लिया लिंक फटाफट भेज दो चैट में। हाँ भाइयों, फटाफट लिंक भेज दो जल्दी से, जिस जिसने बना लिया। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट इंशाल्लाह। अच्छा मुझे अभी तक सिर्फ दो लिंक मिला है। अच्छा तो भाई ये दो मुझे असाइनमेंट्स मिले हैं, एक तो जैद है, ये तो काफ़ी पहले ही इन्होंने बना लिया था। ज़बरदस्त यार। अच्छा मैं 94 सेलेक्ट करता हूँ, अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ और 20th सेलेक्ट करता हूँ। तो भाई मैं 28 का हो चुका हूँ और नेक्स्ट बर्थडे मेरी 269 डेज़ के बाद है। सही है। अब बर्थडे कैलकुलेटर ज़रा हम अलग से भी देख लेते हैं रिज़ल्ट को चेक करने के लिए। अप्रैल 20th 1994, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया टुडे, कैलकुलेट 28 ईयर 3 मंथ 5 डे। नेक्स्ट बर्थडे तो बता ही नहीं रही है। नेक्स्ट बर्थडे क्यों नहीं बता रहा भाई? बर्थडे, अच्छा मैंने वो खोला ही गलत है ना, बर्थडे कैलकुलेटर नहीं खोला मैंने। mybirthday.com, अप्रैल 20th, कैलकुलेट 269 डेज। बिल्कुल सही बताया भाई। गुड यार, ज़बरदस्त।
बहुत अच्छा बनाया भाई जैद ने, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अच्छा इसमें भी वही वाला एंटर करते हैं, अप्रैल। अच्छा ये जैद ने जो बनाया ना, इसकी अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो पहले से डेट इनकी लिखी हुई आ रही है ना, वो 90s में आ रही है, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, डिटेल है, छोटी सी डिटेल है, लेकिन इन्होंने इसका ख्याल रखा है। बाई डिफ़ॉल्ट इसमें 2022 आ रहा होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ता है, अप्रैल 20th, कैलकुलेट, 28 ईयर 3 मंथ और 269 डेज लेफ्ट इन नेक्स्ट बर्थडे। बिल्कुल सही है यार। और किसी ने बनाया यार, दो बंदों ने बनाया सिर्फ, ये क्या बात हो गई यार, इतना सिंपल सा असाइनमेंट था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, घर पे हूँ। हाँ 11 बजे बोलिए, क्या हुआ, कहिए। हाँ तो अगर आप आएंगे तो होगा कोई ना कोई, यहाँ पे मसला नहीं है, तो भेज दीजिए, मसला नहीं है। हाँ तो उसको बोलिए 11 बजे के बाद आ जाए, फिर 11 बजे के बाद आ जाए। अल्लाह हाफिज़। आज बड़ी कॉलें आ रही हैं भाई, बहुत बंदे याद कर रहे हैं। अच्छा तो भाइयों क्या किया जाए तुम लोगों का, यार दो ही बंदों ने सिर्फ असाइनमेंट बनाया है, अब बताओ आगे पढ़ाने का मेरा दिल तो नहीं कर रहा। अनस रज़ा सिद्दीकी, फैज़ान कुरैशी, हाफिज़ मोहम्मद, हसन मोहम्मद, मेराज खान, मोइज़ ताहिर, मोहम्मद आरिफ, इतने सारे लोग कनेक्टेड हैं और सिर्फ दो मेरे पास आया है अभी तक असाइनमेंट। शहज़ाद ने भी सबमिट नहीं कराया। शहज़ाद क्या रिपोर्ट है भाई तुम्हारी, इनपुट से डेट नहीं ली जा रही, तो भाई बताओ ना। वो जब मैं क्लास शुरू होते ही मैंने पूछा था कि कोई अगर इशू हो रहा है लास्ट क्लास में मुताल्लिक या असाइनमेंट से, देखो एक दूसरे ने पूछा, उसको मैंने पूरा गाइड किया। स्क्रीन शेयर करो अपनी जल्दी से, स्क्रीन शेयर करो अपनी मोहम्मद साद, और मुझे ये बताओ कि कहाँ पे आपको डेट से इनपुट लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे सॉल्व होगा। किसी को भी भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे अभी बताओ, मैं आगे नहीं पढ़ाऊँगा। ये सिर्फ दो लोगों ने असाइनमेंट मुझे दिया है, चलो शहज़ाद ने भी एक दे ही दिया, तीसरा हो गया। शहज़ाद ये क्या सीन है यार, इसमें तो बिल्कुल भी CSS नहीं लगाई तुमने। चलो उसकी तबीयत ख़राब है शहज़ाद की, उसने बताया था मुझे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम जी सर, मैं ये कह रहा था कि CSS तो मैं लगा लेता अगर ये पहले ये काम पूरा हो जाता, असल में थोड़ा समझ नहीं आ रहा था ये इसमें डेज लेफ्ट कैसे कैलकुलेट होंगे। 28 ईयर 8 मंथ और 3 डे, यार ये गलत नहीं बता रहा, 28 डे 8 मंथ, सर ईयर तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, 28 डे 8 मंथ नहीं था, 3 मंथ आना था शायद। एक मिनट इसमें लगाते हैं ना, अप्रैल 20th और 28 डे 3 मंथ है, तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हुई भी है शादाब। सर वो मैंने पहले मिली सेकेंड में कन्वर्ट किया था, जो फासला है डिफरेंस है, फिर उसको बाद में ईयर में और मंथ में किया था, तो पता नहीं फिर कहाँ मसला आया होगा। इसमें मसला ये आया होगा कि तुम्हें रिमाइंडर बचा के फिर उसके आगे करना था। हाँ भाई तुमने स्क्रीन शेयर की अपना मोहम्मद साद, जी सर, सर मैंने किया स्क्रीन शेयर। अच्छा आ गई तुम्हारी स्क्रीन,
सर ये देखिए मैंने मतलब मुझे पता नहीं था कि एज वगैरह सारी चीज़ें काउंट करनी है, वो शहजाद भाई ने जब मुझे बताया तो उस पर मैंने अभी काम स्टार्ट नहीं किया। फिलहाल मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है जो डेज और घंटे और सेकंड वगैरह गिनती करके बता रहा है कि नेक्स्ट बर्थडे कब आएगी। बट इसकी जो वो है ना, ये देखें डेट मैंने यहाँ पे इसकी हार्ड कोडेड की हुई है। नहीं तो तुम्हें वैल्यू करके डेट क्यों नहीं मिल रही, ऐसा कैसे हो सकता है सर? जाओ, मैंने वेरिएबल के अंदर भी HTML दिखाओ, पहले HTML दिखाओ मुझे अपना। सर अभी मैंने फॉर्म हटा दिया, इनपुट हटा दिया, यहाँ से दोबारा बनाओ। इनपुट लगा लो, हाँ कोई मसला नहीं है, इनपुट दो मिनट में लग जाता है। एक्शन हटा के ऑन सबमिट लगाओ, एक फंक्शन बनाओ इसका प्रॉपर। कोई नया फंक्शन का नाम लिखो यहाँ पे, एक नया फंक्शन बनाओ। ये वाला जो पुराना बनाया उसको यूज़ अच्छा चलो पुराना वाला उसी को यूज़ कर लो, ये भी ठीक है, कर लो काउंट डाउन। कॉलन लगा के रिटर्न फॉल्स भी करा दो इस पर ताकि पेज रिफ्रेश ना हो। सर वो ई के जरिए जो प्रिपेंड डिफॉल्ट के जरिए रिफ्रेश रोकते हैं वो सिखाएंगे आप? वो सिखाऊंगा, रिएक्ट में सिखाऊंगा। अभी यार ये कॉलन स्ट्रिंग के अंदर लगेगा, बाहर नहीं लगेगा। तुम मेरे ख्याल है यहीं पे गलती कर रहे थे शायद, कॉलन सेमी कॉलन बल्कि। हाँ हाँ, अब रिटर्न फॉल्स। सेव करो, यहाँ पे आगे सर यहाँ वेरिएबल में बोला हूँ डेट को पहले। हाँ करो, गेट एलिमेंट कैसे करोगे? नहीं बटन के क्लिक पे उठाओगे ना तुम तो डेट, पहले तो शुरू में तो खाली होगा ना वो, यहाँ पे थोड़ी उठाओगे, बटन के क्लिक पे उठाओगे। सबमिट के जो फंक्शन चलेगा ना उस फंक्शन के अंदर पहली लाइन में आप डेट उठाओगे यहाँ पर। जी हाँ, अगर शुरू में उठाओगे तो अनडिफाइन मिलेगा हमेशा वो आपको। हाँ इसमें करो लेट डेट इक्वल्स टू, सर जी दोस्त ये जो साइड बार बनाना होता है, स्लाइडर्स वगैरह बनाने होते हैं, ये बनाना आना चाहिए या ये जो यूआई हमें बनी बनाई मिल जाती है उनका यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है? देखो जो एचटीएमएल के बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं ना, जो बिल्ट इन मार्कअप्स हैं इसके, वो तो हमने सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद की जो चीज़ है ना वो लाइब्रेरी लेवल पे अवेलेबल है, जाहिर है वो फिर लाइब्रेरीज़ के ज़रिए ही आपको इसको इस्तेमाल करना होता है, उसके बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉट वैल्यू भी लगाओ इसके आगे, ये लाइन नंबर 14 में आखिर में डॉट वैल्यू भी लगेगा, लाइन नंबर 14 में आखिर में डॉट वैल्यू, वो लाइब्रेरीज के ज़रिए होता है। अब लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप एक आपको ओवरव्यू दिया गया था, तो बूटस्ट्रैप में वो स्लाइडर वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं, तो वहाँ से आप उठा सकते। मतलब खुद से बना के टाइम वेस्टिंग करें, डायरेक्ट वहाँ से उठा के यूज़ करें उसको? हाँ खुद से बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, खुद से तो नहीं पड़नी चाहिए। बस ये आप डेट में बी डेट डाल दो, लाइन नंबर 15 में ये बी डेट अंदर कर दो इसके। खुद से बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई तुम्हें? नहीं मैं ऐसी प्रैक्टिस करके खुद बनाना नहीं, नहीं, नहीं। मेरे ख्याल है इस पर टाइम लगाना बेकार है, खुद से बनाने पर। लाइब्रेरीज देखो, चार्ट्स हैं ठीक है, जो ग्राफ वगैरह बनते हैं चार्ट्स, उसकी लाइब्रेरी है। ये जितने भी एनिमेशंस हैं ये सब लाइब्रेरीज के थ्रू ज़्यादातर हो रहा होता है, ठीक है। एनिमेशन भी आप CSS में अपनी भी बना सकते हैं ट्रांसफॉर्म से, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता है, वो लोगों ने बना बना के रखी हुई हैं एनिमेशंस, आप उनको यूज़ करें जस्ट। भाई ये डिस्कनेक्ट हो गया हो क्या मोहम्मद साद? डिस्कनेक्ट हो गया ये लग रहा है। हाँ भाई कोई और बंदा जिसके पास कोई इशू आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो? हाँ भाई डिस्कनेक्ट हो गए थे तुम? जी सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर। अब जो यहाँ पे टुडे
या मैं ये बर्थडे वाले इसमें वेरिएबल पास करूँ? हाँ ये बर्थडे डालो ना, न्यू डेट के अंदर डालो बर्थडे। न्यू डेट के अंदर बर्थडे, ठीक है सर। हाँ ठीक है। अच्छा ये इसमें लाइन नंबर 14 के बाद ना एक कंसोल भी लगाओ, और ये बर्थडे को कंसोल भी करो कि मैं तुम्हें मिल भी रहा है बर्थडे या नहीं मिल रहा। मिलना चाहिए असूलन तो, अब है ना, बाहर करोगे तो नहीं मिलेगा, फंक्शन के अंदर ही मिलेगा ये। यार ये तुमने कंसोल कैसे करवाया है, ये तो प्रिंट ही नहीं होगा। स्ट्रिंग बना दी, खोलो कंसोल खोलो। नहीं ये, हाँ चलो सही है, सेलेक्ट करो यहाँ पे डेट जल्दी से, बट टुडे करके सेलेक्ट कर लो, टुडे करके सेलेक्ट कर लो। ये कैलेंडर का बटन दबाओ बस, ये जो आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लो किसी को भी, और सबमिट करो। देखो डेट मिल गई तुम्हें यहाँ पे, सही है वो भी चल गया अभी। ये इनफाइनाइट कैसे चल रहा है, ये तुम एंटर प्रेस कर रहे हो क्या? नहीं एंटर प्रेस तो नहीं कर रहा, ये खुद से चल रहा है ये हर थोड़ी देर बाद। फंक्शन दिखाओ आपको। हाँ दिखाओ फंक्शन, ये तुमने कुछ किया है इसके अंदर, ये तो खुद ही से चले जा रहा है हर थोड़ी देर बाद। ये जो तुमने ऊपर काम किया हुआ है ना लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 11 तक, ये भी फंक्शन के अंदर होगा ना बच्चा? इसको भी फंक्शन के अंदर रखो सब सारे ना, को। हाँ ये तुमने मेरे ख्याल है वो गेट उस तरह करके फिर ऐसे किया हुआ है, इसको तुम पूरे को कट करो और इसको अंदर लाओ कट करके। ये तुम्हारा फंक्शन जब भी तो सही काम नहीं कर रहा। टॉप पे कर दो सर। हाँ टॉप पे करो इसको। और ये जो तुमने बी डे करके नया वेरिएबल बनाया ना, इसको हटा दो, इसकी अब जरूरत नहीं है, वापस जाओ। ये जो बी डे लाइन नंबर 16 जो है ना तुम्हारा, ये इसको बर्थ डे करो इसको, और इसको टॉप पे ले जाओ, लाइन नंबर 16 को उठा के टॉप पे ले जाओ यहाँ से। ये बर्थडे जो मैंने वेरिएबल बनाया इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब इसकी जगह ये आ चुका है, ठीक है। बर्थडे इसको डिलीट मार दो और बी डे का नाम चेंज करके बर्थडे कर दो। ठीक है, और ये इसके साथ न्यू डेट भी लगा दो, क्योंकि बर्थडे के अंदर तो न्यू डेट सेव हुई भी थी ना, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर तो नहीं था। तो अगली लाइन में अब आओ तुम लाइन नंबर 8 में, और इसमें आके बोलो बर्थडे इक्वल टू और न्यू डेट करके बर्थडे सेव करवा दो उसमें। अच्छा नहीं सही है, तुमने बाद में नीचे डेट में कन्वर्ट किया हुआ है इसको, ये यहाँ टुडे में, हाँ यहाँ पे किया हुआ। इसमें से ये बी डे हटा दो, सब जगह से सब जगह बर्थडे कर दो। में देखो 43 में क्या किया तुमने। अच्छा मुझे तो ये शुरू वाले में भी गड़बड़ लग रही है ना, वापस जाओ जरा एक दफा ऊपर जाओ। ये तुमने लॉजिक क्या बनाई है, लाइन नंबर 7 में जैसे अब ये तुमने डेट की वैल्यू उठा ली, ये लाइन नंबर 9 में 10 में ये हुआ हुआ क्या है? सेकंड इज इक्वल टू 1000 फिर 1000, ये क्या किया हुआ तुमने? ये तो जब डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद करोगे ना ये वाला काम तो तुम। नहीं सर, ये नहीं सर, असल में जिस दिन क्लास थी ना, हाँ उस दिन मैं एब्सेंट था तो मैंने क्लास नहीं ली,
और मैंने बाद में देखा कि मतलब सेकंड को मिली सेकंड को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो ये सेकंड्स को जो है इसमें मिनट में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद नहीं, मिनट्स को जो है घंटों में। ये तो डिफरेंस कैलकुलेट होने के बाद करोगे ना तुम, ये अभी थोड़ी होगा। और ये जो डिफरेंस तुमने कैलकुलेट किया लाइन नंबर 18 में, बर्थडे माइनस टुडे, ऐसे तो होगा ही नहीं है। ऐसे काम कर रहा है ये टाइम स्पेन में, तुम्हें क्या मिल रहा है? एरर आ रहा होगा कोई ना कोई सर, मेरा। अभी जब अभी एरर आ रहा है, पहले ये मतलब हार्ड कोडेड जब डेट की हुई थी ये बिल्कुल सही चल रहा था, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता था। अच्छा, इस तरह डेट माइनस हो जाती है? मुझे नहीं पता, क्या पता हो भी जी, इस जाती तरह है। हो रही थी माइनस डेट अभी इस देख तरह लेते हैं से, करके 43 हम। मेरी इसकी में एरर आ रहा है अब। अगर मैं लगाता हूँ एक, मैंने कहा लेट डी वन इक्वल टू न्यू डेट, और मैंने लगा दिया लेट डी टू इक्वल्स टू न्यू डेट, और उसके अंदर मैंने दे दिया, मैंने कहा कि भाई 1-1-1990 एंटर। अब अगर मैं करूँगा डी वन माइनस डी टू, तो ये मिली सेकेंड्स में दे दे रहा है। हाँ, मिली सेकेंड्स में दे दे रहा है ये। और अगर मैं डी टू माइनस डी वन करूँगा तो ये मुझे माइनस में मिली सेकेंड में दे दे रहा है। हाँ तो सही है, ये मिली सेकेंड जब तुम्हारे पास आ गया ना डिफरेंस में, सही है, ये काम कर रहा है बिल्कुल सही। तो ये मिली सेकेंड जब तुम्हारे पास आ गया ना डिफरेंस, उसके बाद तुम इसको डिवाइड मार के कन्वर्ट करोगे, ऐसे नहीं करोगे। यहाँ पे ये समझ? जो डिवाइड किया ये तरीका सही नहीं है। हाँ, ये तो तुमने डिवाइड सही किया, लेकिन ऊपर जो तुमने किया मेरा ख्याल है वो यूज़लेस ऐसी ही है, वो किसी काम का नहीं है। इनको हटा दूँ? हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई ज़रूरत है तुम्हें। ये जो 4 लाइनें तुमने लिखी हैं इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी तुम्हें इनपुट मिल गया, ये अभी लाइन नंबर 43 में स्टिल प्रॉब्लम। अब इसको एक एक करके देखते हैं ना, ऊपर से शुरू से लाइन नीचे की तरफ देखते हैं। अभी जाओ वापस, जाओ कोड में, एरर आ रहा है अभी भी तुम्हारा। ये तुम्हें बर्थडे की वैल्यू इनपुट मिल गई, उसको तुमने लाइन नंबर 17 के अंदर डेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। लाइन नंबर 18 में तुमने डिफरेंस निकाल लिया। अब इस डिफरेंस को तुम्हें क्या करना है? अब इस डिफरेंस को तुम्हें पहले कन्वर्ट करना है, कितने साल बनते हैं ये और कितने महीने बनते हैं उसमें कन्वर्ट करना है तुम्हें ये, ठीक है। अब ये जो इफ़ तुमने लगाया, ये पता नहीं इफ़ क्या चीज़ के लिए, होप द बर्थडे इज़ नाइस, ये पता नहीं क्या है। और थोड़ा स्क्रॉल करो जहाँ पे सर, तुमने ये इसके लिए कन्वर्जन लगाया था, किया। जैसे बर्थडे बर्थडे जैसे कोई माइनस में डाल दे, जैसे तीसरा महीना गुजर चुका है और कोई अपनी डेट डाले कि तीसरे मंथ में थी मेरी बर्थडे, तो उसको ये मैसेज दिखेगा, मतलब उसकी बर्थडे तो गुजर चुकी होगी तो उसको ये मैसेज दिखेगा, होप यू हैड अ नाइस बर्थडे, और जिस दिन बर्थडे होगी उस दिन हैप्पी बर्थडे का मैसेज आएगा। नहीं नहीं यार, ये जो तुमने किया ना, ये ऐसे नहीं करना था, वो अगले साल का बताना था उसको कि अब अगले साल आएगी तुम्हारी इस तारीख को आएगी। अच्छा, ये जो तुमने कन्वर्ट किया है ना डेज, ये भी इस तरह नहीं होगा। पहले इसमें से तो वो निकलेंगे ना। अब ये तुमने पता नहीं क्या कैलकुलेट किया, ये जो लाइन नंबर 34 से लेके लाइन नंबर 37 तक क्या किया तुमने ये? अच्छा, सर कितने डेज सबको लेफ्ट हैं डिवाइड वो किया बता पर रहा है, वो बताया तुमने कि कितने डेज लेफ्ट हैं, जी, ये ऐसे थोड़ी पता चलेगा। कितने डेज कितने घंटे कितने मिनट और कितने सेकंड। ये ऐसे तो नहीं पता चलेगा मेरे हिसाब से। टाइम स्पेंड डिवाइड, अब इसमें ना सिर्फ उस सूरत में ये सही आएगा जब आपकी बर्थडे आगे की होगी। मिसाल के तौर पे अभी अगर चल रहा है जुलाई, तो अगर अगस्त की सितंबर की बर्थडे होगी ना तो ये सही कैलकुलेट करेगा फिर, लेकिन उससे पहले की होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर सिर्फ ये मैसेज इट्स दिखाता, 10 o'clock, फिर काउंटडाउन नहीं चलता। सही है। अच्छा, लेकिन आपको करना ये था कि अगर आप बंदे ने अप्रैल दे दिया ना, तो अप्रैल अब अगले साल का जो अप्रैल होगा ना वो आपने कैलकुलेट करके बताना था कि अब अगले साल के अप्रैल में इतने दिन रह गए, वो आपने करना था, ठीक है। मेरा ख्याल है ये मुझे करके बताना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों के क्या हालात हैं। एक अनस रज़ा ने भी भेजा है, एक हारून ने भी भेजा है, ज़रा इन दोनों का भी देख लेता हूँ। सर मैं शेयरिंग स्टॉप कर दूं फिर? हाँ कर दो स्टॉप, मुझे लग रहा है बताना पड़ेगा मुझे सबको दोबारा से। हेलो, हाँ सलाम वालेकुम सर। जी दोस्त, वालेकुम अस्सलाम। मैं कदान बात कर रहा हूँ सर। ये डेज एज जो बनानी थी ना, यानी आप बर्थडे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें तो एज आ जाए, तो एज तो हमने बना ली है, लेकिन सर यही मसला आ रहा है कि उसकी आने वाली
जो बर्थडे है उसमें कितने डेज लेफ्ट, ये कैसे शो होगा सर? ये शो करने के लिए फॉर्मूला कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या लगाएंगे कैसे लगाएंगे, ये रहा ये तो, मसला आ ये रहा है लगाया सर। हुआ तो है बंदे ने। अच्छा ये किसका है? ये अनस रजा। अनस रजा जरा माइक तो ओपन करो यार, ये ग्लिच क्या हो रहा है इसके अंदर, ये वाला, साथी बैठे ये ग्लिच कैसा आ रहा है इसके अंदर? अच्छा जितने लोगों का मैंने अभी तक चेक किया है उसमें अप्रैल डाल के कर रहा हूँ तो वो बता तो सही रहा है बिल्कुल। बच्चे से ओके, तेज फोन आ गया। 28 ईयर्स, 268 डेज। अच्छा 1 डेज में कम बता रहा है, 269 है, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट फार्मूला सही होगा जब भी वो 268 तक लेके जा रहा है एज टेलर। अच्छा अनस अपना माइक ओपन कर लो भाई। जी सर, हाँ तुम मुझसे पूछ रहे भी थे ना कि वो क्या हो रहा था, तुम्हारा ग्लिच हो रहा था, वो सही हो हो गया? रहा था अगर मैं रिफ्रेश नहीं करूँ ना, एक एक ही साथ अगर मैं 3 बार आस्क कर लूं या कुछ हाँ पूछ लूं, 3 बार बटन प्रेस कर दूं, तो वो तीनों एक साथ चलना शुरू हो जा रहा था। आपने जो क्लास में कंडीशन लगाई थी वो अलग अलग बटन सेपरेट बना दिए थे हर चीज के लिए, मगर हाँ मैं कह रहा था पहली बार जब बटन प्रेस हो तो वो चल जाए, मगर अब दूसरी बार करे तो उसको रोक कर फिर चले। डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। देखो तो अब इसके अंदर ये गिलेज का इशू आ रहा था। समझ गया मैं, वो तुम्हें असल में जो काउंटडाउन है ना उसको पहले क्लियर करवाना पड़ेगा, वो जो आपका इंटरवेल जो है ना, इंटरवेल को पहले तुम्हें क्लियर करवाना जी, पड़ेगा और अगली दफ़ा उसको चलाने से इंटरवल पहले। सही है, अगली दफ़ा चलाने से पहले अगर तुम क्लियर उसको नहीं करवाते हो तो फिर वो तुम्हारे साथ इस तरह की जो है ना मस्ती करेगा कि वो डबल डबल चल जाएगा और फिर डबल डबल वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा। सर, तो वो फंक्शन जो बताया बनाया बटन का, उसके ही नीचे ही क्लियर का लगाना होगा। उसके नीचे क्लियर का लगाना होगा। एग्जैक्टली। अच्छा तो मैं काम करता हूँ कि जो तुम्हारा वाला कोड है ना अनस, वो वाला कोड उठा के ले आता हूँ और उसी पे ही आगे जो है, उसी पे ही आगे की कहानी हम कर देते हैं। व्यू पेज सोर्स, और ये पेज सोर्स हमने पूरा उठा लिया, और आज स्विच स्टेटमेंट पढ़ाने का मूड था मेरा। बर्थडे कैलकुलेटर, ठीक है भाई। और तुम्हारी स्टाइल डॉट सी एस एस, सही है। और तुम्हारी जावा स्क्रिप्ट कहाँ है भाई? सर ये जावा स्क्रिप्ट ना, ये दो बर्थडे वाली शायद नहीं है, वो टाइम इस टाइम वाली जीएस वाली सही है, वो बर्थडे वाली कमेंट है, वो एक्स्ट्रा है। फाइल का नाम है ना जीएस फाइल। टाइम डॉट जी एस एक ही तो है तुम्हारे पास, और भी है क्या? सर एक वो बर्थडे वाली में कुछ और ट्राई कर रहा था, वो कमेंट कमेंट बहुत सारा बर्थडे है। वो एक तरह का क्रैश है। अच्छा चलो चला के देखते हैं स्क्रैच को। अच्छा ये खुद ही फूल चेंज होते हैं इसके? सर वो मैंने अनफ्लेक्स से एपीआई उठाई हुई है, लैंडस्केप बर्थडे दिया हुआ था उसको। आने स्प्लैश के अंदर ये एपीआई है कि कोई भी नाम लिख के आप फोटो गेट कर लो, ऐसा होता हाँ है? जी अच्छा पहले तो तुम्हारे कोड को करना पड़ेगा क्लीन थोड़ा सा। अच्छा टेल एज जो है उसका ए कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे होते हैं? हम काम कर रहे होते हैं कैमल केस पे, ठीक है। और ये जो टाइम डॉट जे एस एस का नाम होना चाहिए, ऐप डॉट जे एस ऑफ कोर्स, ठीक है, या स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ठीक है, टाइम डॉट जे एस नाम नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है। स्टाइल ठीक डॉट है सी एस एस सर। बिल्कुल सही है, बस सी एस एस में तो मैंने कुछ चेंज नहीं करना, इसको मैं बंद कर देता हूँ।
अच्छा, अब तुम्हारी HTML के अंदर एक ही अदद इनपुट है, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो वो इनपुट को ज़रा हम सही कर लेते हैं। अच्छा, ये बर्थडे वॉच, बर्थ वॉच स्क्रीन फुल स्क्रीन पे शो नहीं हो रही, छोटी फुल स्क्रीन पे सी शो नहीं नहीं हो हो रही। रही ना, उसका मैं तरीका बता देता हूँ उसको। तुम ये करो, ये थ्री डॉट छोटा सा बना हुआ है जो, इस पर क्लिक करो और यहाँ से चेंज लेआउट करके ना इसको कर दो, स्पॉटलाइट कर दो या ऑटो चेंज कर लो, डिफरेंट ट्राई कर लो, कोई एक होगा उसमें बिल्कुल सही दिखेगा ये। नहीं सर, ठीक वो आपकी शक्ल आ रही है, आपका लैपटॉप नहीं आ रहा, तो आप जो कर रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा है। है? अरे मेरा बच्चा, मेरी शक्ल ना पिन हुई भी है, इस वजह से तुम्हें वो हो रहा है। देखो यहाँ पे जाओ पार्टिसिपेंट्स में, और यहाँ पे जाके ना देखो, एक लिखा हुआ है मेरा नाम और एक लिखा हुआ है मेरे नाम के साथ प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंट वाले को ना पिन कर दो, ये पिन का बटन है, ये प्रेस कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें मेरी शक्ल दिखने लग जाएगी, देखी, और मेरी स्क्रीन दिखने लग जाएगी। हाँ भाई, हो गया मसला हल, होपफुली हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो बताओ फिर मुझे अभी भी। हाँ अच्छा, तो भाई ये एक अदद आ गया फॉर्म। अच्छा, इस फॉर्म, ये फॉर्म ख़त्म कहाँ हो रहा है भाई? फॉर्म शुरू हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म इतनी दूर जाके क्यों हो रहा है? अच्छा, इसको मैंने फॉर्म से बाहर निकाला क्योंकि फॉर्म में मेरे पास सिर्फ एक ही इनपुट है, ये वाला, राइट, यही वाला ही है ना, काउंट डाउन वगैरह ये सब तो फॉर्म से बाहर होगा मेरा। बाकी सब उड़ा देता हूँ, और दो छोड़ देता हूँ। ठीक है, वो जो नीचे काउंट डाउन लगा हुआ था, ये सबमिट का बटन जो है मेरा, ये सिर्फ होगा अंदर, बल्कि अभी सबमिट का बटन और आ गया। सबमिट का बटन जो है ना, वो मेरा सिर्फ फॉर्म के अंदर होगा, बाकी सब मेरे फॉर्म से बाहर होगा। ठीक है, मेरा फॉर्म सिर्फ इतना ही होगा छोटा। अच्छा, ये जो लेबल लगा हुआ है इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल। अच्छा, इनपुट एज हो गया, उसके बाद BR हो गया, उसके बाद एक अदद बटन है जिसका नाम सबमिट है। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है? ये छोटा सा फॉर्म है बिल्कुल, ठीक है, इनका कोड मैं क्लीन कर रहा हूँ पहले। उसके बाद एक पैराग्राफ आ रहा है, योर एज, योर एज का एक कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ रहा है एक बर्थडे, और उसके अंदर पैराग्राफ लगा हुआ है डेमो। अच्छा, और एक ये लगा हुआ है हिडन, ये बाद में मेरे ख्याल से डिस्प्ले किया जाता है इसको। एक ये पैराग्राफ है और एक ये डिव है। अब देखते हैं भाई उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब चले जाते हैं हम अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर। टेल एज में सबसे पहले क्या होता है, गेट एलिमेंट बाई आईडी करके एज उठाया जाता है। मैं इसको क्वेरी सेलेक्टर कर देता हूँ। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर में कोड थोड़ा सा सही दिखता है। अच्छा, इनपुट यूज़र से मिला, ठीक है, उसको डेट में कन्वर्ट किया। अच्छा, इसको मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से पूरे को कट किया और इस इनपुट की जगह पे यहाँ लाके लगा दिया। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको एक लाइन में करना चाहूँ तो एक लाइन में भी मैं कर सकता हूँ इसको। ठीक है, ये एक लाइन में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसमें ये निकाला जा रहा है कि इसका एयर निकालो, इसका मंथ निकालो, और उसके बाद इसका डे निकालो। अच्छा यार, ये जिसका कोड है वो ज़रा अपना माइक ओपन करके रखे। जी अच्छा, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हो ज़रा बताओ पहले तो। सर सबसे पहले मैंने करंट डे, हाँ ये सबसे पहले करंट डे मैंने निकाल लिया, तो वो जो एज कैलकुलेट करी है वो मैंने दोनों करंट डे, वो जो यूजर इनपुट देगा हाँ उसका मैं एयर निकाल लेता हूँ, और जो करंट डेट है जो न्यू डेट करके फंक्शन कॉल करते, तो इसका दोनों एयर को मैं माइनस कर उससे एज मालूम हो जाती है। दोनों एयर को माइनस करके उसकी एज मालूम हो जाती है। अच्छा, तुमने इसलिए फुल एयर निकाला है और करंट का भी ये सब कुछ ये निकाला है मंथ और तुमने। डे मैंने वो जो आपने बताया ना कि इफ करने के लिए यूज लेस देन जीरो हो तो माइनस, तो उसके लिए वो ये दोनों चीजें मैंने निकाली थी। सही है। अच्छा, वो तुमने तीनों को ना एक ही जगह किया हुआ था, मैंने फासला दिया तो अब मेरे समझ में आया ये क्या किया तुमने। सही है, तो बर्थ एयर जो था, बर्थ एयर का वाई कैपिटल होगा, ठीक है, क्योंकि कैमल केस होता है सब जगह, तुमने कैमल केस जो है ना वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कैमल केस में लिखा करो हमेशा। चलें इंशाल्लाह। करंट ईयर, करंट मंथ, करंट डे। ठीक है, अब तुम्हारा ये यहाँ पे भी सब जगह गलत है ना, चलो यहाँ पे भी कर देते हैं।
माइक्स आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है भाई, उसकी कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो बर्थ ईयर सबसे पहले अलग किया, उसके बाद बर्थ मंथ अलग किया, और उसके बाद बर्थ का डे अलग किया। ठीक है, अच्छा डे क्यों निकाला है भाई तुमने? डे से जो अगर हम मन करेंगे वो तो मन का तो पता चल जाएगा, अगर उस बंदे ने उसी महीने की डेट डाली है तो उसके लिए डे चाहिए होगा ना, क्योंकि वो माइनस में जाएगी। तो इसका मेरे पास ये इशू आ रहा था। डेट होगा ये, सही है, गलत तुमने लिखा था। डे से तो वो दिन गेट हो जाता है कि हफ्ता था या इतवार था। ठीक है, ये गेट डेट होगा ये, तो इससे 0 से लेके 31 का एक नंबर आ जाता है डेट से। चलें, अच्छा ये बर्थ ईयर हो गया सबसे पहले। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट तुमने लिखा है ना, ये रिजल्ट नहीं होगा एक्चुअली, इसका भी रेलिवेंट कोई नाम हमें चाहिए होगा, क्योंकि ये ईयर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं इन दोनों महीनों का, हम ईयर निकाल रहे हैं। ये बर्थ ईयर जो था इसका गेट फुल ईयर किया। मिसाल के तौर पर मेरी अगर बर्थडे की हम बात करें तो है 20 APR 1994, तो इसके अंदर असल में 1994 चला गया और इसमें आ गया 2022। ठीक है, तो ये हमें 2022 को और इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया आंसर कि कितने ईयर ओल्ड हूँ मैं। ठीक है, तो इसका नाम ईयर ओल्ड रख देते हैं। ठीक है, इसका बेहतर नाम ये है कि ईयर ओल्ड, कितने ईयर ओल्ड है। तो करंट वाले को माइनस किया बर्थ वाले से, यानी 2022 को माइनस किया 1994 से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2022 माइनस 1994 इक्वल्स 28 आ गया। ठीक है, तो ये ईयर ओल्ड में 28 चला गया। ठीक है, मंथ ओल्ड। अच्छा, एक तो तरीका इसका ये है करने का, एक तरीका इसका और भी है। ठीक है, एक तो तरीका ये किया है तुमने, ये भी तरीका सही है कि कितने ईयर ओल्ड है और कितने मंथ ओल्ड है, इसका एक तरीका और भी है ना। तो इन सबको अगर मैं कमेंट कर दूं यहाँ पे, और थोड़ा एक आसान तरीका हम इसका देखने की कोशिश करें, तो मैं बोलूँगा कि यार ये जो था ना तुम्हारा एंटर डेट, करंट डेट कहाँ है तुम्हारी? ये मैंने करंट डेट ऊपर ले लिया कि भाई करंट डेट क्या है, और एंटर डेट को भी मैंने ये बना दिया। ठीक है, टुडे और एंटर डेट ये दोनों आ गए, और अब मैं इन दोनों का क्या निकालता हूँ, डिफरेंस निकालता हूँ। तो मैंने क्या किया, टुडे डॉट गेट टाइम, सही है, गेट टाइम से क्या होता है, मिली सेकेंड गेट हो जाता है, और माइनस मैंने किया डेट एंटर्ड और गेट टाइम, ये कर दिया मैंने। ठीक है, इससे क्या हुआ, दोनों का मिली सेकेंड आ गया। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि सिर्फ टुडे भी लिख दूँ मैं तो भी माइनस हो जाता है, ये गेट टाइम अगर ना भी लगाऊँ तो भी माइनस हो जाता है, अभी हमने ये एक्सपीरियंस से देखा। ठीक है, मैंने कहा डिफ इन मिली सेकेंड, ये डिफरेंस मेरे पास आ गया मिली सेकेंड में, राइट। अब इस मिली सेकेंड में मेरे पास आ चुका है डिफरेंस, तो इस मिली सेकेंड को मैं टाइम में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, घंटों में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मिली सेकेंड को घंटों में और मिनट्स में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऐसा ही है, ये हो गया। ठीक है, एज इक्वल्स टू जो भी मेरा मिली सेकेंड में आया था टाइम, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड बन गया, फिर मिनट बन गया, फिर आवर बन गया, फिर दिन बन गया, और फिर 365 डेज़ बन गया। अच्छा, ये जो 365 डेज़ बना है ना, इसमें 0.25 जो लगा हुआ है, ये असल में लीप ईयर की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि 4 साल में एक लीप ईयर आता है ना, तो आपको ये 0.25 इस वजह से लगाना होता है। ठीक है, अगर आप ये ना भी लगाएं तो वैसे सही कंसिडर किया जाता है, लेकिन 0.25 ये लीप ईयर की वजह से लगा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है, कंसोल डॉट लॉग पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ इस एज को, तो ये एज आ जाती है मेरे पास कंसोल हो गया यहाँ पे। जी सर, वो मैंने बिल्कुल इसी तरह से किया था, इसमें ईयर तो बिल्कुल सही कैलकुलेट हो रहा है मिली सेकंड को, अगर हम डिफरेंस वाले मिली सेकंड को, लेकिन उसमें मंथ और डे थोड़े सही नहीं आ रहे थे। अभी मैं मंथ और डे लाने का भी तरीका बताता हूँ कि वो कैसे आएंगे। नहीं, वो सर इसी से कन्वर्ट हो सकता है ना, दोनों तरीके सही हैं, तरीके दोनों सही हैं। योर एज इज 28.26 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, 28 पॉइंट क्या आ रहा है, 26 आ रहा है मेरे पास। अच्छा,
अब मेरे पास करना क्या होगा, मुझे मुझे इसको उतनी दफ़ा ही डिवाइड करना होगा जितनी दफ़ा क्या होता है, जितनी दफ़ा ये डिवाइड हो पा रहा है, राइट, उससे ज़्यादा मुझे इसको डिवाइड नहीं करना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, डबल करूँगा ऐसे, और बीच में लगाऊँगा यहाँ पे रिमाइंडर, कि यहाँ तो ये हो जाएगा डिवाइड और यहाँ मुझे मिल जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, मिली सेकेंड्स में मुझे रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे। ऐसा ही है, समझ में आया, रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा। अच्छा, और ये जो एज है ना मेरी, इसको मैं क्या करूँगा, मैथ डॉट फ्लोर कर दूँगा। मैथ डॉट फ्लोर करने से क्या होगा, वो उसके पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को उड़ा देगा वो, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर किया। और ये रिमाइंडर कितना बच गया मेरा, ये भी हम देख लेते हैं, रिमाइंडर ये बच गया मेरे पास। अब आगे ज़रा चेक करते हैं कि रिमाइंडर में क्या सीन है। अबे यार, रिमाइंडर क्यों नहीं प्रिंट किया इसमें, रिमाइंडर सही तो था। ये कौन से पे चला जा रहा है, रिजल्ट एम इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 36। ये ज़रा देख लेते हैं क्या सीन है इसका। अच्छा, एक काम करते हैं ना, नीचे का सारा कुछ कमेंट कर देते हैं, नीचे का सारा कुछ कमेंट कर देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। सही है, नीचे का सारा कुछ हमने कमेंट कर दिया ताकि वो पुरानी चीज़ें हमारे साथ। सर रिमाइंडर क्यों निकाला हमने? बता रहा हूँ, सबमिट। देखो, अब योर एज इज कितना आ गया, 28। सही है, और 28 के बाद जो वो 0.4 बचा था ना, ये वो मिली सेकेंड्स में रिमाइंडर आ गया। सही है, अब देखो ये रिमाइंडर में कितना है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ओ सॉरी, डिवाइड किया इसको मैंने 1000 से, तो ये सेकेंड हो गया। फिर डिवाइड किया मैंने 60 से, सेकेंड के बाद मिनट, घंटे, दिन, महीने, 5 महीने बन गए ये। हाँ यार, तुम सही कह रहे थे, ये 5 महीने तो नहीं बनने चाहिए, कम बनने चाहिए ये। सर ये 60 से मल्टीप्लाई हो गया। 60 से मल्टीप्लाई किया मतलब, सॉरी। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे वो लगेगा ना, ब्रैकेट लगेगा, सही कह रहे हो तुम, सही है, ये गलत कर रहा था मैं। यार अभी भी 5 महीने ही आ रहे हैं, ये क्या सीन है। नहीं सर, मेरे ख्याल से वो कैलकुलेट करने वाला तरीका तो सही होगा, क्योंकि ये मिली सेकंड को घंटे और मिनट में कैलकुलेट करने का तरीका मैंने कहीं से कॉपी किया था। अच्छा नहीं, इसको 3 मंथ देना चाहिए असल में। मिली सेकंड से ये सेकंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, डे हो गया, और ये मंथ हो गया, तो ये 5 मंथ क्यों दे रहा है, इसको 5 मंथ नहीं देना चाहिए, ठीक है, इसको सर जो इस है। मिली सेकंड को ऑनलाइन कैलकुलेट कर लें। नहीं, ऑनलाइन नहीं, कैलकुलेट तो हमें ऐसे ही करना होगा जैसे हम कर रहे हैं, और हमें करना ये होगा कि ये मैथ डॉट फ्लोर को ना मैं ज़रा अलग कर लूँ नीचे, कंसोल इसको करवा के ना, उसके बाद मैं मैथ डॉट फ्लोर कर दूँ इसको। ताकि मुझे ओरिजिनल डेटा भी मुझे मिल जाए। एज इन मिली सेकंड मुझे ये मिल गया, ठीक है, एज इन मिली सेकंड, और कॉमा मैंने यहाँ पे एज को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद मैंने उसको मैथ डॉट फ्लोर किया। अच्छा, ये मेरे अभी समझ में आया, ये क्या हुआ है सीन। अब ये आंसर सही देगा, देखो अब ये आंसर बिल्कुल सही देगा, ये मेरे समझ में आ गया, ये मसला हुआ क्या था। अब देखो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है ये असल में चक्कर ये है, ये जो डेट का इनपुट है ना, इसमें पहले मंथ है,
उसके बाद डे है। मैं पहले लिख रहा था मैं 20 और फिर 04 लिख रहा था, समझ रहे हो? ये हुआ था असल में, तो इसको भी सही करना पड़ेगा। ये कैसे सही होगा? ये पहले इसमें तो MM आ रहा है ना, तुम्हारे में भी पहले यही आ रहा होगा, इसी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। देखता हूँ मैं तुम्हारा वाला कोड शहजाद। जी जी सर, ऐसे ही है सर, वो इतनी सी बात थी है कि एक दिन तो हमारा ऐसे ही चला जाता है। नहीं, मैं खुद अभी कंफ्यूज हो रहा था कि ये देखो ना, पहले MM है इसमें, फिर DD है। सर ये फॉर्मेट चेंज करने का भी मैंने गूगल किया था, दो तीन हाँ वेबसाइटें देखी थी, लेकिन वो नहीं हो रहा था फॉर्मेट भी चेंज के। पहले डेट है फिर मंथ है। डेट इनपुट MDM, ये रहा डेट इनपुट हमारे पास आ गया। और अब इसमें देख लेते हैं हम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। अच्छा, ये वैल्यू भी हम इसको दे सकते हैं ना डिफॉल्ट। अच्छा नोट, द डिस्प्ले डेट फॉर्मेट विल डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। द डिस्प्ले डेट इज़ फॉर्मेटेड बेस्ड ऑन द लोकल और यूज़र ब्राउज़र, बट पार्स वैल्यू इज़ ऑलवेज एयर और मंथ और डेडी। अच्छा, ये आपके ब्राउज़र पे डिपेंड करता है, बकौल यानी इनके जो अभी तक मेरे बात समझ में आई है, ये आपके ब्राउज़र पे डिपेंड करता है कि ये कैसे इसको शो करेगा। तो मेरे पास, मैं ज़रा एक मिनट सेटिंग में जाता हूँ ना, मेरे पास कि मेरे पास क्या सेट हुआ हुआ है, और मैंने तो फिर इसके सर ऐसा कोई तरीका तो होगा या होना चाहिए कि CSS के जरिए हम कंट्रोल कर सकें कि कैसे नजर आएगा। साथ मैं अभी वही देखना चाह रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में क्या सेट हुआ हुआ है। मेरे सिस्टम में मैंने कभी ये देखा नहीं है आज तक, लेकिन देख लेते हैं आज। अच्छा हाँ, सही है ना, मेरे सिस्टम में जो है ना डेट इस तरह सेट हुई हुई कि पहले मंथ आएगा, फिर तारीख आएगी और फिर साल आएगा। अगर मैं इसको अपने सिस्टम में चेंज कर दूं, अब ये चेंज कैसे होगा भाई? रीजन यूनाइटेड स्टेट्स, कैलेंडर जेवर्जियन, सेल्सियस। एडवांस में अगर मैं जाके इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? अच्छा, मेरे पास ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरे पास ये चेंज करने का ऑप्शन। ये चेंज कैसे होगा? एडवांस में ही था ये डेट्स। अच्छा ठीक है, ये शॉर्ट वाला जो डेट है ना मेरा, ये है पहले मंथ है, उसके बाद ये। अगर इसको ड्रैग करके मैं इस तरफ लाने की कोशिश करूँ तो आ गया भाई, और ये ड्रैग करके उधर ले जाऊँ तो उधर चला गया। गुड, सही है, इसको मैंने चेंज कर दिया अपने सिस्टम के अंदर। मेरे पास पहले 25 हो गया, फिर ये हो गया, बैक किया मैंने और इसको कट कर दिया। और अब ज़रा जाके मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो हम देखते हैं कि फिर क्या होता है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया। अच्छा, ये चेंज तो नहीं हुआ, ये वाला चेंज हुआ क्या? अच्छा, ब्राउज़र को मैं बंद नहीं कर सकता वैसे, लेकिन मैं इस टैब को बंद ज़रूर कर सकता हूँ। टैब को बंद करके ओपन करता हूँ। अच्छा, टैब को मैंने बंद करके ओपन किया तो ये बिल्कुल सेट हो गया है, पहले डेट आ गई है फिर मंथ आ गया, सही है। टैब को मैंने बंद किया तो ये सेट हो गया। अच्छा, तो खैर अब हम अपनी लॉजिक पे ज़रा गौर कर लेते हैं कि हम ये कर क्या रहे हैं, ये हो कैसे रहा है। बीच में तो कन्फ्यूजन आ गई थी ना, तो वो कन्फ्यूजन वापस से ख़त्म हो गई है। देखो, ये मैंने किया ही है, पहले तो इस नंबर को हम देखते हैं कि ये नंबर क्या बनता है। ये नंबर जो है ना, पहले इसको हम नंबर को देखते हैं। ये नंबर असल में बनता है, इतना इतनी बड़ी वैल्यू बनती है। ये वैल्यू जो है, ये पूरे एक साल में जितने मिली सेकेंड होते हैं ये उतना बता रहा है, ठीक है? ये मैंने वो वैल्यू कैलकुलेट की है कि एक साल में कितने मिली सेकेंड होते हैं। मैंने यहाँ पे अगर लिखूँगा हाउ मैनी मिली सेकेंड्स इन अ ईयर, तो यही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है? 3154 करके ये शुरू है, ठीक है? तो 3154, अच्छा ये 3154 इस वजह से आ रहा है कि ये एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है थोड़ा ना। ये क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मिली सेकेंड इन अ ईयर। यार स्टैक ओवरफ्लो का कोई लिंक नहीं है बहरहाल।
अच्छा ये इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है किसी ने कि 31536 इतने करके होते हैं मिली सेकेंड ना, तो हम देखते हैं कि 31536 ही है हमारा भी, ठीक है 31557 आ रहा है। अच्छा हमने लीप ईयर को भी काउंट किया है, अगर मैं इसको 25 को हटा दूंगा ना तो फिर शायद मेरा ये सेम आने लग जाए, अगर मैं ये 25 को हटा दूँ तो 3153 आ रहा है फिर मेरा, ठीक है 3153 इनका वाला, लेकिन मैंने उसको भी काउंट किया है लीप ईयर को ना, तो इसलिए मेरा क्या आ रहा है थोड़ा सा इनसे डिफरेंट आ रहा है, ठीक है तो हम लीप ईयर को भी काउंट करके रखते हैं 25, ठीक है तो ये मेरा एक साल के मिली सेकेंड आ चुके हैं, एक साल में जितने मिली सेकेंड होते हैं, ठीक है अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ इससे, जो भी मेरे पास वैल्यू आई थी मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है अब ये जो मेरे पास एज आई है ना डिफरेंस के अंदर, ये एज जो आई है मेरे पास मैंने डिफरेंस में मिली सेकेंड निकाल लिया। अच्छा इसको ज़रा लिखते भी जाते हैं ना कि डिफरेंस मिली सेकेंड में आ कितना रहा है, इसको भी ज़रा हम कैलकुलेट मारते जाते हैं डिफरेंस इन मिली सेकेंड ना, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, डिफरेंस इन मिली सेकेंड जो भी था मैंने उसको यहाँ पे उठा लिया, पहले मेरे पास डिफरेंस आया कि आज के डेट में और जो बर्थडे की डेट कैलकुलेट जो बर्थडे की डेट एंटर की थी बंदे ने उन दोनों में जो डिफरेंस है मिली सेकेंड के अंदर वो मेरे पास आ गया, ठीक है और मैं डिवाइड जिससे कर रहा हूँ वो नंबर भी यहाँ पे मैं ला के पेस्ट कर देता हूँ, राइट ओ गलत पेस्ट हो गया कुछ, ये एक साल के मिली सेकेंड है राइट, तो मैं इन सबको हटा के ना ये पूरे एक साल का मिली सेकेंड भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, बल्कि इसका भी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट मिली सेक इन एयर, ठीक है और इसमें ये वैल्यू मैं सेव करवा देता हूँ, ठीक है और इसको मैं टॉप पे बना लेता हूँ, मिली सेकेंड इन एयर को ना मैं टॉप पे बना लेता हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये चेंज तो होगा नहीं पूरे प्रोग्राम में, ये सेम रहेगा, ठीक है तो मिली सेकेंड जितने भी थे ना पूरे एयर में, मिली सेकेंड इन एयर इससे मैंने डिवाइड कर दिया इसको, जब मिली सेकेंड इन एयर से डिवाइड किया मैंने तो जाहिर है ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा, ये इतना बड़ा नंबर है इससे इक्वली डिवाइड ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ पॉइंट में मुझे आंसर देगा वो, राइट अच्छा पॉइंट वाले आंसर को मैंने फ्लोर के ज़रिए पॉइंट्स ख़त्म करवा दिए, ठीक है पॉइंट्स को फ्लोर के ज़रिए मैंने ख़त्म करवा दिए, मैंने कहा मुझे पॉइंट वाला आंसर नहीं चाहिए मुझे सिर्फ जो डेसिमल्स हैं वो मुझे बता दो। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो डिफरेंस इन मिली सेकेंड जो था, ठीक है उन दोनों का रिमाइंडर लिया मैंने कि जब इक्वली डिवाइड होने के बाद ना यहाँ पे इक्वली डिवाइड करके तो मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया, लेकिन उसका रिमाइंडर क्या बचा है मैंने वो लिया यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ पे भी मैं वो कॉन्स्टेंट लगा देता हूँ जो मैंने अभी भी पकड़ा है मिली सेकेंड इन वन ईयर, ये मैंने कॉन्स्टेंट यहाँ पे भी लगा दिया, तो मैंने इसको रिमाइंडर लिया इसका, मैंने कहा भाई ये साल निकालने के बाद बचा कितना है पीछे, जो साल मैंने अलग किया है उसके बाद बचा कितना है पीछे, ठीक है रिमाइंडर बचा है ये, ठीक है रिमाइंडर ऑफ एयर एज, ठीक है एज इन एयर इसका मैंने नाम कर दिया, ये मैं एयर निकाल चुका हूँ एज में से ना और रिमाइंडर ऑफ एयर ये मैंने कर लिया, अब मैंने निकालना है इसमें से मंथ, मैंने कहा लेट मंथ एज इन मंथ, अब ये एज इन मंथ के अंदर ना मैं ये डिफरेंस इन मिली सेकेंड को नहीं लूँगा अब मैं, क्योंकि डिफरेंस इन मिली सेकेंड में से मैंने 28 साल अलग कर दिए हैं, अब जो बचे हुए मिली सेकेंड है ना मैंने उसको प्रोसेस करना है मज़ीद, और बचे हुए मिली सेकेंड हैं ये रिमाइंडर वाले, ठीक है मैंने कहा रिमाइंडर ये बचे हुए जो मिली सेकेंड है उसको डिवाइड कैसे करोगे आप, उसको डिवाइड करोगे मिली सेकेंड इन मंथ से डिवाइड करोगे आप, ठीक है उसको आप क्या करोगे मिली सेकेंड इन मंथ से डिवाइड करोगे, इसका भी मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ ऊपर कॉन्स्ट मिली सेकेंड। सर सर ये रिमाइंडर दो डिवाइसेस से लॉग इन होना ये मत करो, दो डिवाइसेस से लॉग इन हुए हुए तुम, हाँ अब बताओ सर मैं कह रहा था कि जो रिमाइंडर आपने बताया बस ये रिपीट कर देंगे दोबारा, रिमाइंडर क्या है ये? हाँ रिमाइंडर क्या चीज़ है वो मैं बता देता हूँ तुम्हें,
रिमाइंडर ये होता है, मैं छोटे लेवल पे तुम्हें करके बताता हूँ कि रिमाइंडर क्या चीज़ है। मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाई 2, ठीक है। जब मैं 17 को डिवाइड करूंगा 2 से तो आंसर क्या आना चाहिए? 17 डिवाइड बाई 2 अगर मैं करता हूँ तो आंसर आएगा 8.5, ऐसा ही है ना? 8.5 आएगा ना आंसर? अपना माइक तो ओपन करो, मुझे रिस्पॉन्स तो करो थोड़ा। जी सर। अच्छा, अब ये जो 8.5 है ना, जी सर, ये इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है। जी सर, ये ठीक है। या मैं अगर बोलता हूँ कि 10 को डिवाइड करो 3 जगह, ठीक है, तो 10 को डिवाइड करेंगे ना 3 जगह तो ये आंसर आ जाता है, 3.333 आ जाता है। ठीक है। लेकिन तुम इमेजिन करो असली ज़िंदगी में, असली ज़िंदगी में इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 10 सिक्के हैं तुम्हारे पास, ठीक है, उसको तुम्हें 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो क्या करोगे? क्या तुम 3.33 कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो क्या करोगे फिर? 3 बंदे, एक को तीन दोगे और एक को तीन दोगे, तो ये हो गया 9। नौ सही है। तो 9 जब हो गए, ये तुमने 3 बंदों को जब दे दिया तो ये 10 नहीं हुए पूरे, ये 9 हुए पूरे। जी सर। और बाकी तुम बोलोगे कि 1 बचा है रिमाइंडर। ठीक है, सही है। वो जो तरीका होता था ना डिवाइड करके, ऐसे ही गोल ब्रैकेट लगा के जो करते थे उसमें रिमाइंडर बचता था। ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर अगर ये रिमाइंडर मुझे चेक करवाना है, ठीक है, अच्छा 3.33 जो आया ना आंसर, मैंने बोला भाई आप क्या करो, मैथ डॉट फ्लोर लगा दो। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर लगाने से क्या होगा कि जो 3.33 आया ना, ये पॉइंट के बाद वाले को उड़ा देगा, ये ऐसा ही होगा ना मैथ डॉट फ्लोर। तो मेरे रिजल्ट में क्या जाके सेव हुआ? 3 सेव हुआ, राइट? अच्छा, लेकिन अब मुझे वो 1 भी तो पता लगाना है ना कि रिमाइंडर क्या बचा था, क्योंकि मैं ह्यूमनली इक्वल डिवाइड करना चाह रहा हूँ। अब मैं वो 1 पता लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा लेट रिमाइंडर, ठीक है, और रिमाइंडर के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा 10 और डिवाइड बाई 3, ठीक है, 10 रिमाइंडर 3 मैं बोलूँगा इसको, सही है। इसको भी मैं 10 और 3 कर देता हूँ ना, इसको भी मैं 10 और 3 कर दिया मैंने। अब मैं 10 ये रिमाइंडर 3 करूँगा ना, तो ये मुझे क्या देगा, ये 10 को 3 से डिवाइड करेगा इक्वली, और जो रिमाइंडर बचेगा ये मुझे वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1। तो रिजल्ट में चला गया 3 और रिमाइंडर में चला गया 1। तो ये एग्जैक्टली मैं यही काम ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है सर। अच्छा, तो ये एज इन एयर निकल गया कि एयर में जो एज थी वो आ गई, और रिमाइंडर यानी बचे हुए मिली सेकंड का, जो बचे हुए मिली सेकंड थे, रिमाइंडर जो था वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, 28 साल के जो मिली सेकंड थे वो मैंने एक तरफ किए, और मैंने कहा 28 साल अलग करने के बाद जो बच जाते हैं मिली सेकंड, उसको इस वेरिएबल में डाल दो। अब इस वेरिएबल को मैं मज़ीद कन्वर्ट करूँगा, मैंने कहा भाई एज इन मंथ, अब ये बचे हुए मिली सेकंड जो थे 28 साल निकालने के बाद, उसको मैंने डिवाइड, ऐसे होगा ना 28 साल निकालने के बाद महीना जितने दिन उसके ऊपर है, उस महीने या दिन में जितने मिली सेकंड है वो बचे हुए रिमाइंडर में आ रहे हैं ना, बचे हुए रिमाइंडर में आ रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जब मंथ से डिवाइड करूंगा, ये रिमाइंडर जो बचे हुए मिली सेकंड है, इसको मैंने मंथ से डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या मंथ आ रहा है मेरे पास? 3 मंथ तो आएगा, लेकिन इक्वली डिवाइड ये मंथ से भी नहीं होगा। ठीक है, ये मंथ का देखो नंबर, देखो ये मैंने कैलकुलेट मार के ऊपर रख दिया कि मंथ के अंदर ना इतने मिली सेकंड होते हैं, तो इससे मैं जब इसको डिवाइड करूँगा ना 26298 से, ठीक है, तो ये बचे हुए रिमाइंडर ये इक्वली डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ फिर भी बचेगा, क्योंकि जाहिर है महीने के बाद फिर दिन भी कुछ ना कुछ होंगे, तो पहले तो इतना हम निकालते हैं। मैंने कहा भाई रिमाइंडर ऑफ मंथ एज, ये मैंने रिमाइंडर भी अलग कर लिया इसमें से। ठीक है भैया, आपके पास सजेशन अपने आप में से आ रही है, कोई एक्सटेंशन है ये? हाँ, ये वो है गिटहब को पायलट है, पता नहीं क्या नाम है सर। वैसे ये गिटहब को पायलट यूज कैसे करते हैं? मैंने भी अपने पास करने की कोशिश करी, वो गिटहब से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी यार। वो पता नहीं, एक दो लोगों ने और भी मुझे कहा था कि वो क्रेडिट कार्ड मांग रहा है 22 अगस्त तक, बहरहाल फ्री है, उसके बाद तो मैं भी, मेरा भी ख़त्म हो जाएगा,
उसके बाद पेड है फिर ये $10 per month। वैसे ये गिटअप से कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे से, तो मैंने भी किया वो गिटअप से साइन इन मांगता है, वो होता ही नहीं है साइन इन, पता नहीं क्या मसला चलो आ वो रहा है। किसी से तुम हेल्प ले लेना ग्रुप में, कोई ऐसा इशू नहीं है, आसान है इसको इंस्टॉल ठीक करना है में। सर, अच्छा एज इन मंथ मैंने निकाला, एज इन मंथ को कैसे किया, बचे हुए मिली सेकंड को मंथ से डिवाइड मारा और मैथ डॉट फ्लोर कर दिया। मैंने कहा डिवाइड तो मारो लेकिन मुझे पॉइंट के बाद वाले नहीं चाहिए मंथ में ना, तो ये मंथ में मोस्ट प्रॉब्ली 3 आंसर आएगा, ठीक है मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि मैंने जब पहले कैलकुलेट किया था तो 28 साल 3 महीने आ रही थी मेरी एज, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें 3 पॉइंट समथिंग आने वाला होगा, लेकिन फ्लोर की वजह से वो पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। और मंथ को निकालने के बाद, ठीक है जो मंथ को मैं निकालने के बाद क्या होगा कि ये एज का बचा हुआ और इसका बचा हुआ, इसका रिमाइंडर ले लिया मैंने, ठीक है। तो मंथ को निकालने के बाद जो मिली सेकंड बचेंगे वो इधर आ गए, सही हो गया। अच्छा अब मुझे अब दिन निकालने हैं, ठीक है, कि ये कितने साल और कितने दिनों का इस वक्त बंदा हो चुका है, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी डिफरेंस, अभी बर्थडे कब आएगी उसकी वो हम नहीं देख रहे अभी, ठीक है। एज इन डे हमने कर दिया और फिर हमने कह दिया, अच्छा डे के बाद हमने मजीद कुछ निकालना नहीं है, तो मेरा ख्याल है बाकी उसको करने का, अगर हमें घंटे तक और मिनट तक जाना है और सेकंड तक जाना है तो फिर हम इसको जितना आगे ले जाना चाहें हम ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मंथ निकालने के बाद जो मिली सेकंड बचे थे उसको मैंने डिवाइड कर दिया, किससे उसको मैंने डिवाइड कर दिया, जाहिर है दिन से डिवाइड करना होगा मुझे, तो ठीक है आया तो सही था, ये 1000 मल्टीप्लाई बाई 60, ये सेकंड में कन्वर्ट हुआ, ये मिनट में हुआ, ये घंटे में हुआ और ये दिन में हो गया, ठीक है। तो इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं एक्चुअली, और इसकी वैल्यू निकाल के जो है ना, ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकाल के ना मैं ऊपर इसका भी एक कांस्टेंट बना देता हूँ, मिली सेकेंड इन अ डे, ठीक है, मिली सेकेंड इन अ डे, इसका भी मैंने कांस्टेंट बना दिया, मिली सेकेंड इन डे, ठीक है। तो ये मेरी डे में निकल के आ गई, और इसको भी मैंने फ्लोर कर दिया क्योंकि मुझे पॉइंट वाली वैल्यूज इसमें भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने ईयर निकाल लिया, मैंने मंथ निकाल लिया, मैंने डे निकाल लिया, मैंने तीनों चीज़ें कि अभी इस बंदा इस वक्त कितने साल और कितने महीने का हो चुका है, ठीक है। अच्छा योर एज इज़, और ऐसे करके मैंने, अब ज़रा यहाँ पे ना मैं अच्छे से कॉन्सोल करा देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग यू आर, ठीक है एयर ओल्ड, उसके बाद मंथ भी चाहिए मुझे, एज इन मंथ एंड डेज ओल्ड, ठीक है ये मैंने बना दिया। मैंने कहा यू आर 28 ईयर्स 3 मंथ एंड इतना इतना डेज ओल्ड, अब देखते हैं ये बिल्कुल सही काम करता है या नहीं करता। अभी तो मैंने कॉन्सोल पे करवाया, ठीक है फिर अभी हम यहाँ पे भी करवा देंगे। मैंने कहा भाई 20 04 1994 एंटर, ठीक है यू आर 28 ईयर्स 3 मंथ एंड 5 डेज ओल्ड, सही है बिल्कुल परफेक्ट आया, यहाँ पे भी यही आ रहा था 28 ईयर 3 मंथ एंड 5 डेज ओल्ड, ठीक है। अरे कहाँ चला गया, हाँ यही तो था ये रहा। तो ये मेरी डिफरेंस तो बिल्कुल सही निकल के आ गया, अभी स्क्रीन पे मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ, पहले ये दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं ना। अब अगली बर्थडे कब आएगी ना वो मुझे निकालना है, अगली बर्थडे इस बंदे की कब आने वाली है मुझे वो अब कैलकुलेट करना है, सही है। ये इसका सारा जावास्क्रिप्ट मैंने हटा दिया, जावास्क्रिप्ट मैं खुद ही लिख रहा हूँ सारा ना। अच्छा अब यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि कैलक्यूलेटिंग हाउ ओल्ड इज़ अ पर्सन, ठीक है ये यहाँ पे कैलकुलेट ये बात हो रही है कि बंदा कितने साल का है वो कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पे बता देता हूँ मैं, कैलक्यूलेटिंग When is the next birthday? ठीक है अगली birthday कब है, अब वो मैं यहाँ पे अब calculate करूँगा, ऊपर जो calculate होना था वो हो गया मेरा, ठीक है भाई। अच्छा let next birthday is equals to, sorry
ये ना, ये मेरे पास डेट एंटर्ड और टुडे, ये दोनों मेरे पास मौजूद है। इन दोनों को मैं ना कॉन्स्ट कर देता हूँ, सही है। इन दोनों को कॉन्स्ट करने से ये होगा कि ये चेंज नहीं होंगे फिर, क्योंकि टुडे भी मुझे यूज़ करना है, अभी अगले में भी यूज़ करना है, और जो बंदे ने एंटर की है डेट वो कॉन्स्टेंट वेरिएबल में मैंने सेव करवाया हुआ है, ठीक है, ताकि वो चेंज ना हो सके थ्रू आउट द पूरी लॉजिक, ठीक है। कॉन्स्टेंट का ये इस्तेमाल समझ में आ गया कहाँ पर होता है। अगर ये टुडे चेंज हो गया, जो अभी भी मैंने डेट गेट की है, तो मेरा नीचे की कैलकुलेशन ख़राब हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे इसलिए कॉन्स्ट कर दिया। और जो डेट एंटर की है बंदे ने, किसी भी लॉजिक के दौरान मैं ये नहीं चाहता कि गलती से भी ये चेंज हो जाए ये वेरिएबल जो डेट एंटर हुआ है अभी, ठीक है। और वो मैं इसलिए नहीं चाहता कि क्योंकि बाद में मैं यूज़ करूँगा तो वो ख़राब ना हो। अच्छा, ये मैंने कर लिया। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि भाई अभी जो मंथ चल रहा है, ठीक है, मैंने कहा कि लेट दिस मंथ इक्वल्स टू, ठीक है, टुडे डॉट गेट मंथ, ये मैंने दिस मंथ कर लिया। और मैंने कह दिया कि भाई लेट बर्थडे, ओ ओ ओ क्या लिख रहा हूँ मैं, बर्थडे मंथ इक्वल टू डेट एंटर डॉट गेट मंथ। अब ये दोनों के ना मैंने महीने निकाल लिए सबसे पहले, क्योंकि ये अगली बर्थडे को कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे वाइटल चीज़ है वो क्या है, वो महीना है, कि आया कि जो महीना था बर्थडे का क्या वो गुजर चुका है या अभी वो आने वाला है, ठीक है। अच्छा, मंथ में मुझे पता है कि मंथ में मुझे क्या मिलता है, 0 से लेके 11 का एक नंबर मिलता है, ठीक है। मेरे केस में दिस मंथ जो है अभी वो है जुलाई। जुलाई कौन सा होता है, 6 होता है 7 होता है 6 होता है, आई थिंक, नहीं 7 होता है, ठीक है। और बर्थडे मंथ जो मेरा अप्रैल है वो 4 है, तो 0 से लेकर का मतलब है कि 3 देगा वो मुझे, ठीक है, 0, 1, 2, 3, और इसमें भी मुझे 6 देगा क्योंकि 0 बेस है ना, 0 से 11 मिलता है, तो मुझे 6 देगा और ये 3 देगा, ठीक है। अब मैं ये चेक करता हूँ कि इफ़ दिस मंथ, ठीक है, अगर बड़ा है, सही है, बर्थडे मंथ से, ठीक है, मेरे केस में ये ट्रू हो जाएगा, मेरे केस में ये ट्रू होगा क्योंकि मैंने अप्रैल मैंने एंटर किया हुआ है, ठीक है। तो दिस मंथ ज़ाहिर है बड़ा हो गया, अप्रैल जो है वो छोटा हो गया, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई बर्थडे मंथ बर्थडे मंथ इज़ ऑलरेडी पास्ट, ठीक है। और ये मैं सिर्फ जब करूँगा जब बड़ा हो जाएगा, अगर सेम आता है ना तो फिर सेम पे मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है, सेम पे मैं ये नहीं करूँगा। अच्छा, इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर हर उसमें यही बोलेगा बर्थडे मंथ इज़ ऑलरेडी पास्ट। नहीं नहीं अभी अभी 7 पे भी 8 पे भी 9 पे भी। नहीं नहीं अभी मैं क्या लॉजिक लगाने लगा था वो मैं भूल गया। दिस मंथ तो मैंने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, इसका मैंने डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करने का सोचा हुआ था वो मैं भूल गया। हाँ अच्छा, एक तो ये वाला केस हो गया ना, इसके एल्स में पहले हम आ जाते हैं। यार ये मैं क्या सोचा हुआ था, मैंने एक प्लस एयर में एक प्लस करने का कुछ सोचा हुआ था मैंने। वेल एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट इज बर्थडे मंथ पास्ट, ठीक है, और इसको शुरू में मैं रखता हूँ फॉल्स, और अगर ये मेरा ट्रू हो जाता है तो इसको मैं ट्रू करवा देता हूँ, ठीक है। इज बर्थडे मंथ पास इक्वल टू ट्रू, कि भाई बर्थडे मंथ क्या हो चुका है, पास हो चुका है, ठीक है। अब ये कर लिया मैंने। अब मैंने क्या करना था, मैंने दोनों का डिफरेंस निकालना था कि अभी जो डेट हो रही है इस वक्त और जो बर्थडे आने वाली है उसका मुझे डिफरेंस निकालना था, ठीक है। तो वो मैं कैसे निकालूँगा, मैं कहूँगा डिफ नेक्स्ट बर्थडे डिफ इन मिली, सही है, ये मैंने लिख लिया कि नेक्स्ट बर्थडे जो आने वाली है ना
उसका और अभी का जो डिफरेंस है वो मैं मिली सेकंड में निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो अभी हम इमेजिन कर लेते हैं कि बंदे ने ना बर्थडे आगे का दिया हुआ है, ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा ये? यही तो सर हमें भी नहीं समझ आ रही थी। नहीं यार अभी मैंने कुछ सोचा हुआ था, मैं पता नहीं भूल गया यार। सर वो ये ना कि अगर बर्थडे मंथ गुजर चुका है तो एक साल में एक अगले साल पे चले जाएंगे, ऐसा कुछ था शायद। हाँ अभी मुझे याद आ गया मैंने क्या सोचा हुआ था, ठीक है? ये जो बर्थडे मंथ है ना ये तो मैंने निकाल लिया ना, और अब मुझे चाहिए बर्थ की पूरी डेट भी चाहिए मुझे। अच्छा टुडे में तो मेरे पास, टुडे को तो चेंज नहीं करना, मैंने मैंने कह दिया कि भाई लेट बर्थडे डेट, ठीक है? अब बर्थडे डेट में ना मैंने क्या डाला, मैंने क्या डाल दिया, यही एंटर डेट डाल दिया मैंने, क्योंकि इसको मैं चेंज नहीं कर सकता ना एंटर डेट को। और फिर मैंने बोला ये मेरे पास बर्थडे की एक डेट की मैंने कॉपी बना ली है, राइट? ठीक है बर्थडे के डेट की मैंने कॉपी बनाई है कि असल में, और कॉपी बनाने के बाद इसका मैंने एयर चेंज करवाना था, राइट? बर्थडे डेट डॉट सेट फुल एयर, ठीक है? जो अभी टुडे का जो एयर है ना वो मैंने इसमें सेट करवा दिया। मिसाल के तौर पे जब ये डेट एंटर हुई थी ना तो क्या हुई थी, 20 अप्रैल और 1994 ये एंटर हुई थी, राइट? अच्छा जब मैंने ये वाला काम किया ना तो अब इससे ये क्या हो चुका है, इससे ये हो चुका है 22 चल रहा है अभी, ठीक है 20 अप्रैल 2022 हो चुका है अब ये जो बर्थडे डेट है ना वो क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है, करेक्ट? अच्छा अब मुझे क्या चेक करना था, ये मुझे याद आ गई, यही मैंने लॉजिक सोची भी थी। ये मुझे क्या करना था अब कि ये मंथ के ज़रिए ना, मंथ के ज़रिए मैंने ये जो अलग से मैंने ये ट्रू फॉल्स बनाया था ना इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं हाथ के हाथ ही यहीं पे करवाऊँगा। अगर ये बर्थडे का मंथ गुजर चुका है तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई बर्थडे की जो डेट है ना ये अभी वाली जिसको मैंने 2022 करा हुआ है, 2022 को मैं बोलूँगा सेट फुल ईयर, ठीक है? और इसमें वन प्लस करवाना है ना मैंने, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को ही बोलूँगा कि इसी में ही जो बर्थ ईयर है उसी में ही क्या कर दो, वन प्लस करवा दो, गेट फुल ईयर और प्लस वन, समझ में आ गया? ठीक है तो अगर ये ट्रू होता है, ठीक है अगर ये ट्रू होता है तो ये क्या कर देगा, इसको 20 अप्रैल 2022 जो था ना उसको ये कर देगा 23, जाहिर है क्योंकि अप्रैल तो गुजर चुका है, तो अब मैंने क्या किया 22 को मैंने करवा दिया 23 यहाँ पे। अच्छा अगर जस्ट इन केस बंदर डालता है कोई अगस्त सितंबर अक्टूबर डालता है तो जाहिर है ये ट्रू फिर उस सूरत में नहीं होगा, ये ट्रू अगर ये ट्रू नहीं होगा तो जाहिर है फिर वो एक इंक्रीमेंट भी नहीं लगेगा इसके अंदर, ठीक हो गया? ये हो गया काम, ये सबको समझ में आ गया होगा होपफुली। अब मेरे पास ये जो बर्थडे की जो डेट है ना, अच्छा ये बर्थडे की डेट का ना कोई मुझे इसका मैं नाम मुझे लग रहा है सही कुछ मुनासिब नहीं है, दिस ईयर ये नाम शायद अब मुनासिब हो गया, बर्थडे डेट दिस ईयर, कि इस साल जो बर्थडे की डेट आएगी ना ये वो वाली है। ये बंदे ने तो क्योंकि एंटर की थी 1994 की, लेकिन ये मैंने उसकी कॉपी बना के इस साल में कन्वर्ट किया है उसी डेट को, और टुडे तो चेंज नहीं हुआ, वो तो ऊपर वैसा ही है अपनी जगह पर है। फिर मैंने इसमें से मंथ निकाला, फिर मैंने इसमें से ये निकाला। अच्छा इसको मैं एक लाइन में भी करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि कट किया मैंने और दिस मंथ की जगह ये लगा दिया, और यहाँ पर कट किया मैंने और ये लगा दिया, इससे शायद मुझे लग रहा है मेरी लॉजिक थोड़ी सी क्लीन हो जाएगी, मज़ीद क्लीन हो जाएगी। ठीक है ये दो वेरिएबल मैंने हटा दिए यहाँ से, ठीक है? इफ़ के अंदर मैंने क्या किया, हाथ के हाथ ही गेट किया मंथ को
टुडे वाले मंथ को और डेट एंटर्ड वाले मंथ को। अच्छा अभी डेट एंटर्ड वाला मंथ भी नहीं करूँगा मैं, ठीक है चलो वो भी मंथ तो क्योंकि मैं चेंज नहीं कर रहा, डेट एंटर्ड वाला मंथ वहीं से उठा लेते हैं, एक ही बात है। और अगर ये ट्रू होता है यानी वो मंथ पास हो चुका है, मेरे केस में अप्रैल है तो वो उस केस में ये ट्रू होगा, ठीक है क्योंकि टुडे में से जब गेट करेंगे तो वहाँ से आएगा जुलाई, जुलाई इज़ सिक्स, सिक्स एंड है, ज़ीरो से लेकर सिक्स तक जुलाई मुझे मिलेगा, और यहाँ पे जब मैं गेट करूँगा तो ये फोर है क्योंकि, तो थ्री मुझे मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री, इस जगह पे आ जाएगा थ्री, इस जगह पे आ जाएगा सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बर्थडे मंथ इज़ ऑलरेडी पास्ट, बर्थडे का मंथ जा चुका है पीछे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सेट फुल ईयर किया और उसमें वन प्लस करवा दिया कि भाई अभी जो भी था ना 2020 अप्रैल 2022 बनाया था जो, उसको क्या कर दो, आगे वाला करवा दो, ठीक हो गया। अच्छा इस कोड को मैं थोड़ा सा अगर क्लीन और करूं, अगर थोड़ा सा क्लीन अगर मैं इसको और करता हूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इस चीज़ को मैं एल्स में करवा देता हूं, ठीक है। नहीं यार काफ़ी है, इतना ही ऐसे ही सही है, छोड़ो। अच्छा अब मुझे इसका डिफरेंस निकालना है कि नेक्स्ट बर्थडे डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि मैंने बर्थडे की डेट दिस ईयर को मैंने परफेक्ट कर दिया है, ठीक है। परफेक्ट करने का मतलब ये कि अगर इस साल थी तो इस साल है, वो अगले साल थी तो अगले साल है। अब मुझे जस्ट इसका डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकाल के बताना है कि भाई इतने दिन रहते हैं आपकी बर्थडे में, ठीक है। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा बर्थडे दिस ईयर, ठीक है, माइनस टुडे, ये मुझे मिल गया मिली सेकंड में बर्थडे, सही हो गया। अच्छा इसको अब कन्वर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बर्थडे इन डेज, ठीक है, नेक्स्ट बर्थडे जो डेज में हो जाहिर है, क्योंकि मुझे क्या करना है, डेज में रिजल्ट शो करवाना है, तो मैंने कहा नेक्स्ट बर्थडे का जो भी डिफरेंस था मिली सेकंड में उसको क्या कर दो, डेज से डिवाइड मार दो, जो ऊपर मैंने कांस्टेंट बनाया हुआ है, और उसको मैथ डॉट फ्लोर भी करवा दिया, ठीक है। और इस जब नेक्स्ट बर्थडे का ना मेरा डेज आ गया, डेज मुझे शो हो गया, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई क्या हो गया, नेक्स्ट बर्थडे इन डेज लेफ्ट इन योर नेक्स्ट बर्थडे, ठीक है, जैसे 377 डेज लेफ्ट इन योर बर्थडे, इस तरह करके कोई ऐसा आंसर आ जाएगा मेरे पास। अब चलते हैं ज़रा इसको हम चला के देखते हैं। रिफ़्रेश किया मैंने, मैंने कहा 20041994 एंटर, और 268 डेज लेफ्ट इन योर बर्थडे ऐसे लिखा हुआ आ गया। देखते हैं यहाँ पे इन्होंने 269 कैलकुलेट किया है, आई एम नॉट श्योर कैसे किया है इन्होंने, लेकिन हमारा भी रिज़ल्ट ऑलमोस्ट ठीक ही आ रहा है। ज़रा एक मिनट, अप्रैल 20th है ना, बर्थ ईयर से क्या करेगा भैया, अच्छा बर्थ ईयर से कुछ करेगा शायद, 269 आ रहा है इनका बहरहाल। 29th बर्थडे होगी मेरी, 269 डेज उसके अंदर रहते हैं। अच्छा हमारे पास 268 क्यों आ रहा है भाई, दादा हमारे पास 268 मेरी समझ आ गया क्यों आ रहा है। इसको अगर मैं फ्लोर ना करूँ ना, इसको अगर इसमें से फ्लोर हटा दूँ ना, तो फिर क्या आता है देखते हैं ज़रा। वो पॉइंट में ना कुछ ऐसी वैल्यू आ रही होगी, 20041994 एंटर, हाँ ये 268.225 ऐसे करके आ रहा है। तो वो 25 को क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल है वो लोग सील कर रहे हैं उसको, ऊपर कर रहे हैं, और हम उसको क्या कर रहे हैं, फ्लोर कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोर करना ही वैसे बेहतर है, तो हमारा वाला रिजल्ट मोस्ट प्रॉब्ली सही है, उनका वाला सही नहीं है। ठीक है भाई, ये सबको समझ में आ गया। अब ये जो दोनों रिजल्ट मैंने कॉन्सोल पे प्रिंट किए थे, ये दोनों, ये मैंने कहाँ पे प्रिंट करना है, ये मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करना है। और स्क्रीन पे ना सिर्फ मैंने प्रिंट करना है बल्कि मुझे क्या करना है, एक काउंटर भी साथ में उसके चलाना है। अच्छा मुझे ये तो डेज आ गए, अब डेज़ के अलावा मुझे क्या निकालना है इसमें से, सेकंड भी निकालना है, ठीक है, मिनट भी निकालना है और सेकंड भी निकालना है। मिनट इसलिए निकालना है मुझे कि जाहिर है जब बर्थडे का काउंटर चलाना होगा किसी को,
मेरी ऐप के ज़रिए, तो वहाँ पे उस वक्त डेज शो नहीं हो रहे होंगे, वहाँ पे घंटे और मिनट शो हो रहे होंगे और सेकंड शो हो रहा होगा। और जाहिर है सेकंड जब शो हो रहा होगा, जब भी मैं उसको चलता हुआ दिखा भी सकता हूँ कि यार चलता हुआ स्क्रीन पे दिख रहा हो। तो मुझे अब क्या करना है, उसी रिमाइंडर वाले तरीके से मैंने क्या करना है, अब ये निकाल लेना है, इसका क्या कहते हैं सेकंड वगैरह इसके निकाल लेने हैं। आ जाते हैं अब इसका सेकंड निकाल लेते हैं इसी तरह, ठीक है। लेट नेक्स्ट बर्थडे इन डेज रिमाइंडर, ठीक है, इक्वल्स टू, अब मैंने इसका रिमाइंडर जैसे पहले निकाला था, कैसे निकाला था भला, इन्हीं दोनों को ही डिवाइड किया था, लेकिन डिवाइड कैसे किया था, रिमाइंडर के ज़रिए किया था, ठीक है। तो ये मेरे पास रिमाइंडर बच गया, यानी डेज निकालने के बाद जो भी मेरे पास टाइम आया था डिफरेंस में अगली बर्थडे का, उसमें से मैंने डेज़ को जब अलग किया तो उसके बाद ये रिमाइंडर बचा है मेरे पास, ठीक है। ये रिमाइंडर बचने के बाद जो मैं अगला निकालूंगा, अब मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट बर्थडे इन आवर्स, ठीक है, आवर्स अलग करने हैं इसमें से। अब मैंने तो आवर्स को इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और एक आवर में कितने होते हैं भाई, 1000, ये सेकंड हो गया, ये मिनट हो गया और ये आवर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब हम थोड़ा ट्रेडिशनल पे आ जाते हैं, ये आवर्स मैंने अलग कर लिए, ठीक है भाई। अब आवर्स का ज़ाहिर है आवर्स का भी रिमाइंडर चाहिए होगा मुझे, क्योंकि मैंने आगे क्या निकालना है, मैंने वो मिनट्स वगैरह भी निकालना है। आवर्स का रिमाइंडर जब मैं लूँगा तो मैं फिर इन्हीं दोनों चीज़ों को डिवाइड करूँगा और रिमाइंडर लगा के डिवाइड करूँगा मैं, ठीक है। ये आवर्स का रिमाइंडर आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा, मिनट का निकालूंगा मैं रिमाइंडर, ठीक है। इन आवर्स की जगह अब इसको मिनट्स करूँगा मैं, ठीक है। और मिनट्स के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, ये जो आवर निकालने के बाद जो रिमाइंडर बचा था ना, वो इस्तेमाल करूँगा अब मैं इसमें, ठीक है। आवर निकालने के बाद जो बचा था उसको मैं मिनट्स निकालने के लिए इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और मैंने ये जो मिनट्स का जो था ना रिमाइंडर, वो यहाँ लगा दिया मैंने, रिमाइंडर हो गया, ठीक हो गया जी। अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड भी निकालना है इसी सेम तरीके से, क्योंकि सेकंड निकालूंगा तो वही चलता हुआ दिख रहा होगा मुझे एक्चुअली। तू ही ख्वाब है, ठीक है। अच्छा, सेकंड निकालने के बाद मुझे मज़ीद किसी रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस सेकंड के बाद मुझे और कुछ नहीं निकालना, ठीक है भाई। आवर्स, ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि कितने मिनट रह गए अभी। अच्छा, ये डेज हो गया ना, डेज के बाद मैं बोलूँगा आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कितने मिनट रह गए, और अब मैं बताऊंगा कि कितने सेकंड रह गए। ओ इट्स 11 o'clock, ठीक है भाई। अच्छा, इसको मैं बीच से ब्रेक कर देता हूँ, काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन हो गई है। सही है, ये मैंने पूरा एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, अभी मैंने कॉन्सोल पे करवाया और ये मैंने उसके बाद स्क्रीन पे भी इसको प्रिंट करवाना है। यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे आके मैंने इसमें डेट एंटर की, एंटर, ठीक है। 268 आवर्स, डेज तो नहीं इसने बताया यार,
अच्छा वो डेज़ की जगह मैंने आवर्स दो दो बार लिख दिया, डेज़ लिखना था मुझे यहाँ, ठीक है। तो 268 डेज़, 5 आवर 59 मिनट एंड 23 सेकेंड्स लेफ्ट, ये इतना टाइम रह गया है नेक्स्ट बर्थडे में। यहाँ इन्होंने क्या बताया था? अच्छा इन्होंने 269 डेज़ पे ही सिर्फ छोड़ा हुआ है ना, 268 डेज़। खैर अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को मुझे रियल टाइम में दिखाना है, ठीक है, कि कितने रह गए और कितने तो ये वाली लॉजिक मुझे बार बार रन करनी होगी, राइट। ये वाली लॉजिक मुझे क्या करनी होगी, बार बार रन करनी होगी। अच्छा बार बार रन करने के लिए ना मुझे जो ये टुडे वाला जो है ना, ये बार बार गेट करना होगा। ये जो टुडे मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कैलकुलेटिंग नेक्स्ट बर्थडे, इसमें मुझे टुडे वाले को दोबारा से गेट करना होगा, क्योंकि जब तक मैं टुडे को अगेन गेट नहीं करूँगा, टुडे इक्वल टू न्यू डेट, जब तक मैं न्यू डेट नहीं गेट करूँगा, जब तक क्या होगा, जब तक जो है वो मुझे ये बता रहा नहीं होगा ना कि क्या मुझे ऐसे न्यू डेट गेट करनी चाहिए। नहीं, मुझे इसका एक और भी सॉल्यूशन समझ में आ गया। अच्छा पहले तो मैं ये इसका तरीका निकालता हूँ कि इस पूरे काम को बार बार करवाया जाए, राइट, पूरे काम को बार बार करवाना है। हाँ तो मैं इसको सेट इंटरवल में डाल दूंगा, इतने को मैं कहूँगा सेट इंटरवल, और इसमें मैंने कहा 1000 कि 1 सेकंड के बाद पूरा आपने चलना है, और इसको कट किया मैंने और इसको पूरा ला के मैंने यहाँ लास्ट में करवा दिया। लेकिन अभी ये मेरा कोड चलेगा तो बार बार, लेकिन इसका रिजल्ट जो है ना मेरे कोड का, हर दफ़ा वो एक ही आ रहा होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मेरे रिजल्ट एक ही दफ़ा आ रहा होगा, मतलब उस रिज़ल्ट को अगर मैं चाहूँगा ना कि अपडेट हो वो सेकंड्स, तो वो अपडेट नहीं होंगे। उसका रीज़न ये है कि वो चीज़ें फ़िक्स कर दी हैं मैंने। ये देखो ये रिज़ल्ट ना 10 सेकंड से आगे नहीं बढ़ रही है। ये 10 सेकंड से आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा कि मैंने जो ये टुडे का इस्तेमाल किया है और जो डेट एंटर का इस्तेमाल किया है, ये दोनों फ़िक्स हैं बिल्कुल, ये दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे या तो इस टुडे में 1-1 सेकंड करके बढ़ाना होगा, ज़ाहिर फ्रेश मैं डेट उठाऊँगा सिस्टम से, ठीक है, या तो मुझे ये करना होगा, या तो मुझे जो डेट एंटर्ड है ना उसके अंदर कुछ कमी करनी होगी, कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कमी कर देता हूँ सही है, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसको कम कर देता हूँ। मैं बिल्कुल लास्ट लाइन में आता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई इंक्रीमेंट वाला पार्ट है एक्चुअली ये ना, ठीक है। और मैंने कहा डॉट सेट सेकंड्स, ठीक है, सेकंड्स में इसके कम करवा रहा हूँ। सिस्टम का टाइम अगर मैं उठाता हूँ तो उसमें सेकंड बढ़े हुए मिलेंगे मुझे, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जो डेट एंटर हुई थी ना उसमें से माइनस करवा देता हूँ, बात एक ही है, ठीक है, हो सकता है ये। मैंने सेट सेकंड्स कहा और सेट सेकंड्स करके जो भी थे ना गेट सेकंड किया, इसी का ही गेट सेकंड किया, ठीक है, और उसमें माइनस वन करवा दिया। अब देखते हैं क्या होता है, अब उसको चेंज होना शुरू हो जाना चाहिए। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद मैंने कहा कि 02004 ओके 1994 एंटर, ठीक है। ये देखो 33 32, अब ये नीचे आना शुरू हो गया, समझ आई सबको। देखो 268 डेज, 5 आवर्स 55 मिनट एंड 20 सेकंड्स। अब ये 20 पूरा ख़त्म होते होते ये 55 मिनट से ये 54 मिनट हो जाना चाहिए, इसको देखते हैं 54 होता है या नहीं होता, क्योंकि मैंने डेट का मेथड यूज़ किया है उसको माइनस करने के लिए, इसलिए मिनट भी चेंज होना चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है 54 मिनट हो गया, सब लोग कनेक्टेड है ना क्लास में, या मैं अकेला ही बोल रहा हूँ? जी सर कनेक्टेड है। यस सर, टाइम जोन के हिसाब से ऑलमोस्ट हाफ अ डे पीछे हैं। अच्छा सर, वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी रह गई थी, आपने तो अपने लैपटॉप का वो फॉर्मेट चेंज कर लिया था, लेकिन अब ज़ाहिर है हम हर कंप्यूटर का नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि CSS के जरिए किसी ऐसे इनपुट में कुछ ऐसा वैल्यू वगैरह लगाएं कि वो फॉर्मेट अपनी, हमारा पाकिस्तान वाला डेट फिर मंथ फिर ईयर वाला है। तो सर वो मैंने करने की कोशिश भी की, वो नहीं हो रहा, वो आप करके दिखा देंगे? मेरा ख्याल है वो नहीं है करने देंगे, हो सकता है मेरा ख्याल है वो ये नहीं करने देंगे ना।
सर प्लेस होल्डर से करके देखें शायद हो जाए। नहीं, प्लेस होल्डर से वैल्यू क्यों प्लेस चेंज होल्डर से भी किया मैंने, वैल्यू से भी किया है। प्लेस होल्डर तो दूसरी चीज होती है ना, देख लेते हैं वैसे कोई इसका अगर अवेलेबल ऑप्शन है तो। फॉर्मेट फॉर वैलिडेट स्टूडेंट पे बहुत सारी चीजें आई थी लेकिन वो कुछ मिला नहीं, कुछ समझ नहीं आया उसमें। अच्छा इनपुट डेट फॉर्मेट विद डी डी एम एम वाई वाई इनपुट फील्ड, ये तो किसी ने पूछा हुआ है सवाल ना, ये अगर होता होगा तो बता देगा कोई ना कोई यहाँ पे, डॉक्यूमेंट में तो सामने सामने नज़र नहीं आ रहा ना मुझे। ठीक है एम एम डी डी वाई वाई और इसको चाहिए डी डी एम एम वाई वाई, देख लेते हैं क्या बंदे ने बोला है। आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन दैट रिटर्न द पार्सिंग डेट टू डिज़ायर, इनकी तो बातें समझ नहीं आती हैं सर। अच्छा सीधा तरीका नहीं है ना कोई, द इनपुट डेट यूजेस द लोकल डिस्प्लेइंग फॉर्मेट, दिस वैल्यू इज दिस दिस दिस। ठीक है ये इसने बता दिया कि भाई लोकल जो होती है ना आपके सिस्टम में सेट हुआ हुआ होता है वही शो कर रहा होता है यहाँ पे भी। अच्छा कह रहा है डेट पिकर आप कोई और सा यूज़ कर लो एच टी एम एल के अपने अपने वाले के अलावा। ये भी एक तरीका हो सकता है ना, ये आप कोई और सा जे क्वेरी इसने लगाया हुआ है और जेक्वेरी वाला कोई जो है ना इसने शायद डेट पिकर यूज़ किया है। अच्छा इसने कहा है कि इनपुट डॉट टाइप डॉट डेट पिकर और डेट फॉर्मेट वाई वाई एम एम दिस दिस ऑन सेलेक्ट फंक्शन डेट टेक्स्ट। ये जे क्वेरी के ज़रिए कुछ तरीका बता रहे हैं ये, लेकिन वो मुनासिब नहीं है इस तरह करना है ना जे क्वेरी से। एक तो जे क्वेरी ज़रूरी हो जब ही बंदा उसको लगाए, अदरवाइज उसको मन ना लगाए बंदा ना। यू कैन सर क्योंकि ऐसा करते हैं वो तरीका आपने सही बताया ना कि इनपुट में तीन अलग अलग इनपुट बना लेते हैं, एक ईयर वाला, एक उसमें मंथ वाला और एक डे वाला, उसमें लिमिटेड ऐसा कुछ कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में ये उल्टा फॉर्मेट तो मेरी तो समझ में नहीं आता। नहीं तुम विंडोज़ में भी सिस्टम में जाके चेंज कर लो अगर चेंज करना है तो। वैसे तुम ये सही कह रहे हो यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से कि यूज़र को समटाइम खुद भी नहीं पता होता कि उसके सिस्टम में क्या सेट हुआ हुआ है, तो तुम ये सही कह रहे हो कि अगर तुम तीन अलग अलग बॉक्सेस बना लो ना डे के लिए अलग, मंथ के लिए अलग और ईयर के लिए अलग, तो ये भी एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि वो तुमने बाद में डेट के ऑब्जेक्ट में ही उसको डालना है। ठीक है लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि वो कैलेंडर नहीं खुलेगा फिर ना, जो कैलेंडर खुलता है ना वो नहीं खुलेगा, फिर तुम्हें ड्रॉप डाउन बनाने होंगे तीन अदद, तुम्हें तीन ड्रॉप डाउन फिर बनाओगे तुम डेट के लिए, बनाओगे तुम जीरो से लेके वन से लेके 31 तक पूरा। ठीक है फिर उसको कंडीशनली तुम्हें चेंज भी करवाना होगा कि भाई अगर मंथ बंदे ने सेलेक्ट कर दिया है कोई ऐसा जिसमें 31 नहीं आता, ठीक है तो उस सेलेक्ट बॉक्स में 31 को डायनेमिकली तुम्हें चेंज भी करना होगा, समझ रहे हो। इस तरह की चीज़ें भी तुम्हें फिर फेस करनी पड़ेंगी। वेल जो सोच सकते हो वो हो सकता है लेकिन ज़ाहिर है मेहनत लगती है फिर उसको करने में। ठीक है वेल ये जो इसने बताया ना, ये जो इसने बात बताई है कि डेट पिकर कोई और सा इस्तेमाल कर लो, ये भी बात मुझे थोड़ी सही लग रही है। मिसाल के तौर पे अगर बूट स्ट्रैप का जो तुम देखोगे ना उसमें शायद इन्होंने बताया हुआ हो कि फॉर्मेट आप बाई फोर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। ये रहा अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं ना, फॉर्मेट चेंज डायनेमिकली भी आया हुआ है, चेंज फॉर्मेट डेट पिकर ऑन सेलेक्ट। अच्छा इसमें भी जेक्वेरी के ज़रिए ही ये बता रहा है। अच्छा इसने कहा कि टाइप टेक्स्ट प्लग इन डेट पिकर क्लास फॉर्म 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 डेट पिकर। अच्छा ये रहा, ऐसे करके फॉर्मेट आप दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं भला उसको यार, डेट फॉर्मेट जब इसमें दे रहे हैं तो HTML में भी फिर ऑप्शन तो आना चाहिए, लगा के देखता हूँ ज़रा मैं, जब उसमें आ रहा है ऑप्शन।
मैक्स में अगर मैं लगा दूं, मैंने कहा 01-25-1994, ठीक है, ये मैंने मैक्स लगा दिया, बल्कि मैं 2022 लगा देता हूँ। अच्छा, ये मैंने मैक्स लगाया है और इसमें क्या दे दिया, मैंने अपोजिट दे दिया, क्योंकि मेरा पहला वाला ऑलरेडी डे हुआ हुआ है, तो मैंने पहले वाले को मंथ बना दिया, दूसरे वाले को डे बनाने की कोशिश की है फॉर्मेट के ज़रिए। देखते हैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट आता है इसका या नहीं आता। डी डी एम एम ही आया हुआ है अभी तो। अच्छा, टैब बंद करने के बाद आया था लास्ट टाइम, नहीं इसका कोई फ़र्क नहीं आया इसके ऊपर। अच्छा, ये मैक्स काम भी नहीं कर रहा भाई, देखो इसमें वेल डेट पिकर कस्टमाइज को हमें यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि ये दो दो दफ़ा चल जाता है। अगर इस फंक्शन को सबमिट को दो दफ़ा चला दे बंदा, तो ये फंक्शन क्या होता है, दो दफ़ा चलता है। ये फंक्शन एक दफ़ा चला, उसके बाद ये अगली दफ़ा जैसे ही चलेगा फंक्शन, तो क्या होगा, ये दो दफ़ा रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इस इंटरवल की आईडी भी चाहिए अब इस पॉइंट पे। मैंने कहा लेट इंटरवल आईडी, ठीक है, बल्कि ये इंटरवल आईडी का वेरिएबल मुझे बाहर बनाना पड़ेगा ना, इंटरवल आईडी इक्वल टू ज़ीरो, सही है, क्योंकि एक न्यूमेरिक आईडी दे रहा होता है ये, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, इंटरवल आईडी, और जो भी आईडी थी वो करवा दी मैंने। अच्छा, तो जैसे ही ये फंक्शन शुरू होगा तो मैं क्या बोलूँगा कि क्लियर इंटरवल, और मैंने कह दिया इंटरवल आईडी। अब जब ही भी फंक्शन चलेगा ना, पहले ये पुराने वाले को क्लियर करेगा, ठीक है। अब ये एरर ना दे दे बस मुझे। ठीक है, ये चल पड़ा, एक चल रहा है अभी सिर्फ। अब मैं इसको ना 2000 का एक देता हूँ डेट, तो ये पुराने को क्लियर करके इसको नया चलाना चाहिए। ठीक है, पुराने को इसने क्लियर कर दिया। अभी मुझे पता कैसे चलेगा पुराने को वाकई इसने क्लियर किया या नहीं किया। 268 डेज, और यहाँ पे भी 268 डेज, नहीं ये तो क्लियर तो नहीं हुआ पुराना वाला, ये 268 डेज ही क्यों शो कर रहा है दोनों में। हाँ भाई, कोई बता सकता है कि ये 268 डेज ही क्यों शो कर रहा है। 2020 की अगर मैं डेट डालता हूँ, यू आर 2 years and 3 months ओल्ड, लेकिन ये अभी भी डिफरेंस में 268 डेज ही निकाल रहा है। ये डेज मैंने कैलकुलेट कैसे किया था, डेज मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया था, नेक्स्ट बर्थडे इन मिली सेकेंड। अच्छा, ये माइनस किया था मैंने बर्थडे ईयर से, बर्थडे ईयर। अच्छा टुडे, अच्छा टुडे जो है ज़ाहिर है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, जब ये फंक्शन दोबारा चलेगा तो टुडे में नई डेट आ जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये इसको क्लियर नहीं कर रहा। अच्छा, मेरा ख्याल है ये क्लियर इंटरवेल जो है ना, ये वाला, ये क्लियर इंटरवेल जो है, इसको मैं शुरू में रखवा देता हूँ अनडिफाइंड, राइट। और मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा वो लगा देता हूँ, एक मैं छोटा सा यहाँ पे इफ़ लगा देता हूँ कि भाई इफ़ अगर ये मौजूद है ना, जब भी इसको क्लियर करो, अदरवाइज़ ना करो, मे भी इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो मेरे पास। मैंने कहा इफ़ इंटरवल आईडी मौजूद हो तो इसको आप क्लियर करो, अदरवाइज़ ना करो, ठीक है। और हम इसको एक दफ़ा और ट्राई करके देखते हैं। 2004-1994 सबमिट, ठीक है, 268 निकाल लिया इसने।
अब मैं इसको एक दूसरी वैल्यू देने वाला हूँ सन 2000 की। यार ये अभी भी 268 निकाल रहा है। हाँ भाई कोई बता सकता है इसने 268 ही क्यों निकाला है अभी भी? किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है इस कोड के अंदर? सर बताना है ये इंटरवल तो होता है, ये इंटरवल की आईटी कैसे काम करती है? हाँ ये मैं ज़रा क्लियर इंटरवल देख भी लेता हूँ ये मैं गलत तो नहीं करवा रहा, क्योंकि क्लियर इंटरवल नहीं हो रहा है एक्चुअली वो ना। हाउ टू यूज़ सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल, ये किसी ने सवाल पूछा हुआ है। इसने बोला है भाई क्लियर इंटरवल दे दो आप और टाइमर ऑब्जेक्ट डॉट अंडर स्कोर आई डी, ये क्या ही बोला है इसने? इंटरवल इक्वल टू सेट इंटरवल, सही तो है क्लियर इंटरवल, ऐसे ही लगाया मैंने भी, ऐसे ही लगाया हुआ है मैंने। ठीक है ठीक है, थोड़ा मैंने और उसको प्रिसाइज कर दिया कि एग्जैक्टली अनडिफाइन ही हो जब भी इसको रोको, अदरवाइज चलाओ, क्योंकि सम टाइम हो सकता है ज़ीरो भी दे दिए, तो ज़ीरो भी क्या होती है फॉल्सी वैल्यूज होती है, तो इसलिए मैंने ये इक्वल टू अनडिफाइन लगा दिया यहाँ पे। डॉक्यूमेंट डॉट न्यू डेट, अच्छा क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है वो क्लियर क्यों नहीं हो रहा पुराना वाला? मेरा ख्याल है इस पूरे कोड को अगर हम एक अलग फंक्शन में ले जाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा ये शायद मेरे समझ में आ गया कि ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि जब मैं इसको नई वैल्यू देके एंटर करता हूँ ना, तो ये डेट एंटर्ड तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो ये यहाँ पे मैं इसमें सेकंड बढ़ा रहा हूँ ना, ये सेकंड की वजह से शायद जो है ना ये डेट चेंज नहीं हो रही है वाली, तो इसका मतलब है मुझे इसको अलग फंक्शन में ही ले जाना पड़ेगा शायद, जब जहाँ पे जाके शायद ये मसला मेरा हल हो जाए। ठीक है, इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ कि गेट टाइम लेफ्ट, ठीक है ये मैं इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन को मुझे दो चीज़ें देनी है, एक तो एंटर डेट देना है, ठीक है, और अपना जो डेट है ये खुद निकाल लेगा, लेट टुडे इक्वल्स टू न्यू डेट, ये अपने लिए डेट खुद से निकाल लेगा। एंटर डेट मुझे देना है इसको डेट के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देना है, ठीक है डेट के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मुझे इसको ये देना है, और फिर इस इंटरवल को मैं सबसे टॉप पे ले जाता हूँ, फिर यहाँ पे इसको रखने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, अब मैं इसको सबसे टॉप पे ले जाता हूँ, ये मैंने इसको टॉप पे सबसे पहले कर दिया, और मैं यहाँ पे अब क्या बोलूँगा, टाइम लेफ्ट कॉल करो, गेट टाइम लेफ्ट, और उसको क्या दे दो इनपुट में, उसको इनपुट में ये दे दो कि जो भी बंदे ने अभी डेट एंटर की है ना वो दे दो इसको, सही है। अच्छा ये मुझे और पहले करना पड़ेगा एक्चुअली, जब भी फंक्शन कॉल हो टुडे गेट करो, और जो डेट एंटर की है बंदे ने वो गेट करो, और ये दोनों चीज़ें गेट करने के बाद मैंने कहा कैलकुलेटिंग व्हेन इज़ नेक्स्ट बर्थडे, ठीक है नेक्स्ट बर्थडे के लिए मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ हर एक सेकेंड बाद, ठीक है, और इस फंक्शन को मैं बिल्कुल अलग कर दिया मैंने, ठीक है, और जैसे ही मैं ये क्या करूँगा इस फंक्शन को अगेन कॉल करूँगा, तो यहाँ पे से पहले क्लियर होगा इंटरवल और फिर इसको अगला टाइम मिलेगा यहाँ पे से,
ठीक है, मतलब उसके वेरिएबल्स वगैरह सारे इससे बिल्कुल अलग हो गए। मोस्ट प्रॉब्ली शायद कोई वेरिएबल मेरा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है समटाइम। अब ज़रा उसको जाके हम चेक करते हैं। मैंने कहा भाई 0420 सबमिट, ठीक है भाई 268 डेज हो गया। अब 268 डेज के बाद अब मैं इसको 2000 का एक देता हूँ। ये अभी भी 268 ही ला रहा है। अच्छा ज़रा डायरेक्ट मैं 2000 का देके देख लेता हूँ। 20 अप्रैल 2000 एंटर। यार ये क्या सीन है यार, 20 अप्रैल डायरेक्ट दे रहा हूँ तो भी ये वही ला रहा है। अरे क्या बेवकूफ़ हूँ मैं अभी। जी सर आप ईयर चेंज कर रहे हैं। एयर कक से तो ताल्लुक ही नहीं है ना अगले बर्थडे का भाई। एयर मैं कोई भी दे दूँ, हाँ ना अगले बर्थडे तो 20 अप्रैल को होगा, उसका तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो मुझे महीना चेंज करना पड़ेगा ना जब जाके चेंज आएगा, वरना पहले भी कोड सही था मेरा। सबमिट मारा मैंने, अब चेंज होना चाहिए। 86 डेज आ गया, ठीक है। अगर 12वें महीना है, हाँ ना एयर का ताल्लुक ही नहीं है। मैं एयर चेंज कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि यहाँ चेंज आए। एयर तो इंक्लूडेड ही नहीं है, वो तो सिर्फ महीना इंक्लूड है उसके अंदर। महीना और दिन से उसका ताल्लुक है ना कि अगली बर्थडे कब आएगी। एयर तो चल, ऐसे लगता है कि सिर्फ हम ही मतलब ऐसे नहीं है, सर को भी मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। नहीं तो हाँ नहीं हमें लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। हाँ नहीं नहीं प्रोग्रामिंग में ये तो रहता है थोड़ा बहुत ना, बंदा कर रहा कुछ और होता है, वो हो रहा कुछ और होता है पीछे, बंदा बोलता है यार ये क्या हो गया, फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है ये तो मैंने ही गलत लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा तो अब कहने का मकसद है कि ये मेरा बिल्कुल सही चल रहा है कोड ना। अब मैं इसको वापस क्या करता हूँ, इसको मैं 04 करता हूँ, ठीक है। तो वो 268 पे दोबारा चले जाना चाहिए और पुराना काउंटर मैंने रिमूव करके ये नया वाला काउंटर चलाया है, ठीक है भाई। अच्छा यही काम मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ भी कर सकता हूँ कि हाउ ओल्ड आर यू के साथ, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू के वो भी हम मैं रियल टाइम बना देता हूँ, मुनासिब है, ठीक है। इसको भी रियल टाइम बना देते हैं, जब एक को बना दिया तो दूसरे का क्या कसूर है, उसको भी बना देते हैं, ठीक है। इस पूरे को मैंने लॉजिक को कट किया और मैंने कह दिया कि लेट एयर ओल्ड इक्वल्स टू, ऐसे एक फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है, और पूरे को इसके अंदर कर दिया। डेट एंटर्ड मुझे यहाँ पे भी इसको चाहिए, डेट एंटर्ड, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट करके उसको कंसोल पे प्रिंट करवा देगा, ठीक है। एयर ओल्ड करके मैंने एक फंक्शन बनाया था जो, उसको अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे इंटरवल एक और बना देता हूँ, ठीक है, और एयर ओल्ड यहाँ लगा देता हूँ मैं, ठीक है। ये एयर ओल्ड हो गया। अच्छा इसकी जो आईडी है, अब मुझे एयर इंटरवल आईडी भी दो लगानी पड़ेगी ना, इंटरवल आईडी 1 और इंटरवल आईडी 2, सही है। एक को मैंने कह दिया इंटरवल आईडी 1 और इंटरवल आईडी 1, सही है। इसी को मैंने फिर यहाँ पे लाके लगाया इंटरवल आईडी 2, क्योंकि अब मेरे दो इंटरवल हैं तो मेरे पास दो आईडीज हैं, ठीक है। ये भी मैंने डबल करवा दिया। अच्छा यहाँ भी इंटरवल आईडी 1 2 होगा ना, क्लियर जिसको करवा रहे हैं, ठीक है। इंटरवल आईडी 1 कहाँ कहाँ पे हो गया, इस पूरे में इंटरवल आईडी 1 हो गया और इंटरवल आईडी 2 जो है वो नीचे वाले तीनों पे हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया भाई कैलकुलेटिंग व्हेन इज़ नेक्स्ट बर्थडे, कैलकुलेटिंग हाउ ओल्ड इज़ अ पर्सन। अच्छा ये फंक्शन का नाम शायद थोड़ा इतना मुनासिब नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है बाद में। अच्छा ये टुडे तो अब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा क्योंकि हर फंक्शन अपना टुडे खुद ही निकालता है, तो इस टुडे को मैंने हटा दिया। मेरा कोड काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है इस पॉइंट पे आगे, ठीक है। और ये दोनों अब ज़रा इसको हम चला के देखते हैं दोनों रियल टाइम में स्क्रीन पे। अच्छा अभी दोनों फंक्शन के अंदर स्क्रीन पे चीज़ प्रिंट नहीं होती, कॉन्सोल पे हो रही है। स्क्रीन पे भी करा लेंगे हम, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा भाई 20041994 एंटर। ये क्या हुआ, टुडे इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा इसके अंदर टुडे इसने अपना नहीं बनाया ना अभी तक। मैंने कहा लेट टुडे आप अपना बना लो, न्यू डेट, सही है। हर फंक्शन टुडे अपना बनाएगा खुद। 20 अप्रैल 1994 एंटर। ये क्या सीन है भाई, -1 ईयर ओल्ड क्यों आ रहा है।
ये क्या सीन हो गया? डेट एंटर्ड जो है वो क्या है? इस लॉजिक में कुछ गड़बड़ हो गई है। टुडे माइनस डेट एंटर्ड, डेट एंटर्ड इसको मैं कैसे दे रहा हूँ? डेट एंटर्ड जो बंदे ने डाली वही दे रहा हूँ। डेट मैंने सही तो डाली है, 20 अप्रैल 1994। टुडे में से माइनस किया ये डेट एंटर्ड, अभी सही तो है बिल्कुल। क्या मसला हो गया इसको अचानक से? अच्छा, डेट एंटर्ड, डेट एंटर्ड जो है वो डेट का ऑब्जेक्ट है, राइट? ये डेट का ऑब्जेक्ट है जो भी बंदा ने डेट एंटर की है। सही है, ओके। टुडे इसने अपना बनाया, टुडे माइनस डेट एंटर्ड, डिफ इन मिली सेकेंड। अच्छा, ये मिली सेकेंड इन एयर वगैरह इसको मिल रहा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये है यहीं पे ही बना हुआ है टॉप पे। ये माइनस में क्यों आ रहा है, ये क्या सीन है? टुडे वाला तो मिली सेकेंड बड़ा होगा, राइट? यार इसको वैसे कर लेते हैं ना, डॉट गेट टाइम लगा लेते हैं। मेरा ख्याल है ये जो तरीका है ना, ये कोई ग्लिच मार रहा है कभी कभी। डॉट, दोनों में डॉट गेट टाइम लगा लेते हैं, ताकि वो दोनों के मिली सेकेंड ही डिवाइड हों, जस्ट टू मेक श्योर। अच्छा, अभी भी माइनस आ रहा है। ये क्या सीन है यार, माइनस में क्यों आ रहा है? अभी तो सही था ये। कोई बता सकता है कि इसके अंदर क्या एरर किया मैंने? ये टुडे डॉट गेट टाइम बाद में रख के देखें, डेटा एंटर्ड के बाद शायद इसलिए हो रहा मसला। नहीं ना, ये टुडे वाला तो बड़ा होना चाहिए टाइम, और जो वो वाला है वो छोटा होना चाहिए। वेल, अगर हम करके देख भी लें इससे तो मसला हल नहीं होगा। डेट एंटर्ड जो है वो तो 1994 का है ना, उसका मिली सेकेंड कम होना चाहिए, और मेरे वाले का ज़्यादा होना चाहिए, अभी वाले का। ये देखो तो जीरो एयर आ गया अभी तो ये। डिफ इन मिली सेकेंड डिवाइड बाई मिली सेकेंड इन एयर्स। मुझे लग रहा है डेट एंटर्ड में से ना जो डॉट, इन दोनों के मिली सेकेंड को जरा हम निकाल लेते हैं कि आ क्या रहा है। जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ मिलती हैं मुझे उन सबको कंसोल कराना पड़ेगा। मुझे कंसोल डॉट लॉग डेट एंटर्ड, सबसे पहले तो मुझे ये कंसोल कराना होगा कि डेट एंटर्ड में मिल रहा है क्या है। डेट एंटर्ड में मुझे ये मिल रहा है, अरे 2023 की डेट क्यों मिल रही है यार, ये क्या सीन है? यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, डेट एंटर्ड में मुझे 2023 की डेट मिल रही है, 20 अप्रैल 2023। ये कैसे हो सकता है? ओके, गॉट इट। ये मेरे समझ में आ गया क्या हो रहा है। असल में इसका जो इनपुट है और इसका इनपुट है वो सेम है। जब इस फंक्शन के अंदर से मैं इसको बढ़ाता हूँ ना डेट एंटर्ड को, तो ये यहाँ पे भी बढ़ जाता है। क्या बेवकूफ़ी है यार, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है। इसका नाम मैं चेंज करूँगा, ये सेट हो जाएगा। चलो भाई, हो गया सेट ही।
यार अभी भी मुझे 2023 मिल रहा है, ये क्या बकवास है। एज 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 करके नाम रखा था इसका, एज ही है। हाँ सही है बिल्कुल। डेट एंटर्ड को ज़रा यहाँ पे भी कंसोल करा लेते हैं, डेट एंटर्ड यहाँ भी कंसोल करा देते हैं। सर फंक्शन के अंदर जो डेट चेंज हो रही है वो दूसरे वाले फंक्शन के पैरामीटर तक कैसे पहुँच रही है? नहीं नहीं असल में वो नहीं हो रहा, यहाँ कुछ और हो रहा है। देखो शुरू में ये सही 1994 है, लेकिन जब अगले में मिलता है ना ये, तो ये 2023 हो जाता है, 2023 हो जाता है। ये पता नहीं क्या सीन है। ये जब मैं इस वाले को पास कर रहा हूँ टाइम लेफ्ट वाले को, तो इसको सही पास हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको पास करता हूँ तो ये क्या होता है, 2023 हो जाता है। डेट एंटर्ड न्यू डेट, डेट एंटर्ड इक्वल टू दिस। अच्छा ये पता है क्या हो रहा है, ये डेट एंटर्ड जो है ना, जो अंदर पास हो रहा है, ये इसका ताल्लुक ख़त्म नहीं हो रहा अपने पेरेंट्स से, तो मुझे इसी जगह पे ना डेट एंटर्ड दो बनाने पड़ेंगे, डेट एंटर्ड वन। ये दो मुझे डेट एंटर्ड अलग अलग यहाँ उठाने पड़ेंगे, और सेकंड वाले को ना मुझे डेट एंटर्ड वन यहाँ पर देना पड़ेगा अलग अलग। उसका रीज़न ये है कि जब मैं एक बनाता हूँ ना, ये बावजूद इसके कांस्टेंट है ये, लेकिन जब इस डेट एंटर्ड के ऊपर कोई मेथड कॉल होता है तो वो पेरेंट तक चेंज कर देता है पूरा, वो अपने पूरे पेरेंट तक को चेंज कर देता है। अच्छा तो मेरा ख्याल है उसका भी बेस्ट तरीका फिर ये है कि ये पूरा उठा के मैं कहाँ ले जाऊँ, इस पूरे को मैं उस फंक्शन के अंदर ही गेट कर लूँ फिर, बजाय इसके कि मैं यहाँ से पैरामीटर लेता हूँ, मैं यहीं पर इसको गेट करवा लूँ दोनों फंक्शन में अलग अलग। ये समझ में आई बात, ये दोनों आपस में ना ऑब्जेक्ट रेफरेंस अपना शेयर कर रहे हैं, ये अपना रेफरेंस छोड़ नहीं रही है ऑब्जेक्ट। ये दोनों फंक्शन के अंदर ना डेट अलग अलग मैंने गेट करवा लिए इसी वजह से, कि वो फंक्शन अपना ऑब्जेक्ट वो छोड़ नहीं रहा, ये डेट एंटर्ड मुझे यहाँ देने की अब ज़रूरत ही नहीं है, और ये डेट एंटर्ड यहाँ गेट करने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है ये सेट हो गया मसला मेरा। अब होपफुली ये इस दफा सही चल जाए। अच्छा ये -29 इस वजह से हो गया, ये जो हमने चेंज किया था ना आगे पीछे किया था एयर ओल्ड में, एयर ओल्ड में टुडे पहले होगा, ये जो मैंने आप वापस उस तरफ किया था इसकी वजह से हो रहा है ये। ठीक हो गया भाई, 28 एयर 3 मंथ और 5 डेज, और सेकंड किधर गया, सेकंड नहीं आ रहे। अच्छा सेकंड हमने उसमें निकाला ही नहीं है ना, एयर ओल्ड में हमने सेकंड तक की कहानी नहीं की है, तो लेकिन मेरा ख्याल है अभी जब हमने रियल टाइम कर दिया तो इसको भी हम सेकंड तक कर लेते हैं, इसको भी हम क्या कर लेते हैं सेकंड तक ले जाते हैं इसको भी। ठीक है सेकंड तक ले जाने के लिए मुझे वही रिमाइंडर वाला तरीका करना होगा। ठीक है और अब मैं इस पूरे को डुप्लीकेट मारता हूँ। अब मुझे डे के बाद चाहिए आवर, आवर के बाद चाहिए होगा मिनट मुझे, आवर और आवर, उसके बाद मुझे चाहिए होगा मिनट और सेकंड। ठीक है मिनट और सेकंड चाहिए मुझे।
सही है भाई, डे में तो मैंने कर दिया मिली सेकंड इन अ डे। उसके बाद आवर के लिए मुझे क्या करना होगा, ज़ाहिर है उसका लिए मैंने कांस्टेंट नहीं बनाया हुआ, तो उसके लिए मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल तरीका कर देता हूँ, ठीक है, जो आवर के लिए ना, सेकंड उसके बाद मिनट उसके बाद आवर, ठीक है, और आगे वाले में ये जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसमें सिर्फ ये हो गया, ठीक है, और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 1000 हो जाएगा। सही है, अच्छा सेकंड का मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो इसका भी क्या कर दिया मैंने, आवर मिनट और सेकंड में निकाल लिया। एज इन मिनट, एज इन सेकंड्स, ठीक है, इसका भी मैंने पूरा निकाल दिया सेकंड तक। देखते हैं क्या रिपोर्ट है। अब मेरा एज भी जो है ना रियल टाइम में चलना चाहिए, 20041994, एंटर, ठीक है। अब मैं ओल्ड कितना हूँ वो भी मुझे रियल टाइम में ये दिखा रहा है, यू आर 28 ईयर 59 सेकंड ओल्ड, ठीक है, देखो ये 28 ईयर। सर मैंने ये सोचा था कि उसको बताया जाए कि आप मतलब कितने मिनट घंटे के हो, लेकिन वो तो हमने ये बताया ही नहीं कि हम पैदा किस टाइम पे हुए थे, तो वो टाइम पे कैसे बता रहा है। असल में वो 1 जनवरी रात 12 बजे से काउंट कर रहा है, यानी जो भी दिन है ना वहाँ उसके रात 12 बजे से वो काउंट कर रहा है, ये हो रहा है असल में, ठीक है, वो टाइम नहीं पूछ रहा। असल में रात 12 से 12 बर्थडे काउंट होती है, टाइम जो भी हो आपका, मतलब कहने का मकसद ये है, देखो समझा रहा हूँ तुम्हें, कि जैसे अब जो बर्थडे होती है आपकी, जो वो रात 12 बजे लोग विश करते हैं ना आमतौर पे, ऐसे ही होता है ना। जी जी हाँ, तो वो मतलब आपको बर्थडे विश करने के लिए कोई ये तो नहीं पूछता है कि आप कितने बजे पैदा हुए थे, है ना। तो ये हमें भी अपनी लॉजिक ऐसी बनानी है कि ये 12 बजे को करे। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली क्या मेरी लॉजिक सही है, ये जो मुझे बता रहा है कि आप इतने ईयर ओल्ड हो, क्या ये 12 बजे पे आके एवेल्यूएट होता है या किसी और पे एवेल्यूएट हो रहा है, ये मुझे अभी डेटा दे रहा है ना, ये ज़रा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि ये 12 बजे पे कैलकुलेट होगा कब पे होगा। सॉरी, लेफ्ट वाले पे देखना है ना मुझे, तो चलो इसी पे ही बताओ पहले, 12 बजे पे ही कैलकुलेट हो रहा है ना ये, 11 आवर 9 मिनट, यानी अभी से 11 आवर 9 मिनट बाद क्या होगा टाइम, व्हाट वुड बी अ टाइम आफ्टर 11 आवर्स 9 मिनट फ्रॉम नाउ। 10:48 AM हो रहा है ये तो, ठीक है, ये लॉजिक मतलब मुझे उसको सही करना होगा, इस लॉजिक को ना, इस लॉजिक को मुझे क्या करना होगा, सही करना होगा। अच्छा, ये जो आ रहा है ना 268 डेज 5 आवर 19 मिनट और 44 सेकंड, अगर किसी की बर्थडे थी, मिसाल के तौर पे आज क्या डेट है, 25 है ना, किसी की बर्थडे अगर 26 को आती है, 26 जुलाई, सही है, मैंने इसको रिफ़्रेश किया और मैंने कहा कि किसी बंदे की बर्थडे ना 26 जुलाई को आती है सबमिट, ठीक है। अब 26 जुलाई का मतलब है, अबे ये माइनस ईयर कैसे हो गया, 0 डेज 5 आवर्स और 19 मिनट बता रहा है ये, 0 डेज 5 आवर और 19 मिनट बता रहा है, हालांकि इसको क्या बताना चाहिए, इसको बताना चाहिए 20 मिनट्स, क्योंकि 12 बजने में 20 मिनट है, 26 तारीख 12 बजने में 20 मिनट जब होंगे तो शुरू हो जाएगी।
अच्छा इसको ट्विक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मैं एंटर डेट गेट करता हूँ ना, ठीक है, ये एंटर डेट जो मैं गेट करता हूँ इसमें सिर्फ ये डेट पकड़ रहा होता है। अगर मैं इस एंटर डेट को अगर कॉन्सोल पे प्रिंट करूँ तो मुझे ये 00 का टाइम नहीं बता रहा, ये मुझे कुछ और टाइम बता रहा होता है। ठीक है, अगर मैं इसको, मैंने दोबारा 26 पकड़ा और सबमिट मारा, ये जो एंटर डेट आ रहा है ना इसमें देखो ये 5 बजे का डेट उठा रहा है जो कि गलत है, 5 बजे नहीं उठाना चाहिए इसको। सही है। अच्छा मुझे इसको क्या करना पड़ेगा फिर, इसमें ना प्लस भी करना पड़ेगा और 00 डालना पड़ेगा। सही है, 00 से स्टार्ट करवाना पड़ेगा मुझे इसको। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या करेगा फिर ये 00 से काउंट करेगा और 20 मिनट मुझे लेफ्ट बताना चाहिए इसको। ठीक है, 17 मिनट लेफ्ट बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है अभी। ठीक है, अबे 5 आवर क्यों, अभी भी 5 आवर बोल रहा है ये तो। सर न्यू डेट में अगर पैरामीटर दें उसमें 0 0 करके टाइम लाइन दें तो अच्छा, अभी इसने ये तो सही उठा लिया है कि 26 जुलाई 2022 00, ये तो सही उठा लिया इसने, एंटर डेट सही है, 00 उठा लिया इसने। अच्छा लेकिन कहने का मकसद है कि ये लेफ्ट वाले में जो है ना, अच्छा इससे बर्ड वो भी छिड़ गई है हमारी ना, कि कितने ईयर ओल्ड है वो भी छिड़ गई है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये कितने ईयर ओल्ड, ये गलत क्यों आ रहा है, हमारी लॉजिक में कुछ ऐसा इशू है जिसकी वजह से ये माइनस में चला गया। अब यानी मैंने क्या डाला है, कल की बर्थडे डाली है। अरे हाँ, कल की बर्थडे डालने में तो जाहिर है वो मुझे 2022 से इसको 2021 करना होगा ना, जब ये सही मुझे बताएगा, जब ये मुझे बताएगा कि बंदा अब 1 साल का है। हाँ, 11 महीने और 30 दिन का हो चुका है, 4 आवर का हो चुका है बच्चा हमारा। सही है, मैंने 22 डाला हुआ था इसलिए वो पागल हो गया था यार, ये क्या बता दिया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है क्या, कल पैदा होगा वो और बर्थडे आपने अभी लिख दी है। अच्छा ये लेफ्ट वाले में जो है ना, लेफ्ट वाला कहाँ चला गया, ओल्ड है ये तो, ये रहा 0 डेज 5 आवर एंड 16 मिनट। अब ये 5 आवर क्यों बता रहा है, इसको बताना चाहिए 40 मिनट, ठीक है, क्योंकि 12 बजने में तो 40 मिनट है। अब ये 5 आवर जो बता रहा है ना, इसमें भी कोई गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ ये है कि जो एंटर्ड आपका वो है ना डेट, ये जो इस टुडे वाले को भी ज़रा कंसोल कराते हैं ना, कि ज़ाहिर है टुडे में कोई ना कोई टाइम भी तो पकड़ रहा होगा, ये इस टाइम को भी मुझे ज़ीरो कराना पड़ेगा, टुडे और टुडे इस टाइम को भी मुझे ज़ीरो करवाना होगा। अच्छा ये ना ये बार बार जो चल रहा है ना, इसको रोकने के लिए फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको सेट टाइम आउट लगा देता हूँ ना, ठीक है। अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये एक दफ़ा चल के चुप हो जाए, बार बार ना चले, देखते हैं वो गड़बड़ी ना कर जाए कहीं। सही है, एक दफ़ा चल के चुप हो गया, ज़्यादा देर नहीं चला वो। अच्छा ये जो टुडे था ना, ये भी उठा रहा है 23 बज के 44 मिनट, यानी अभी का टाइम उठा रहा है ये, ठीक है, ये क्या उठा रहा है, अभी का टाइम उठा रहा है। इसको भी हमें क्या करवाना है, 00 करवा के उठाना है, ताकि ये लेफ्ट में ना एग्जैक्टली 12 बजे की डेट पे जाके चपके। करवाते हैं इसको भी 0, ये लेफ्ट वाले पे कर रहा हूँ ना मैं, किस पे कर रहा हूँ ये मैं, अच्छा इसको मैं लेफ्ट वाले पे ही करता हूँ, ये दूसरे वाले पे नहीं करता हूँ, दूसरे वाले को फ़िलहाल छोड़ देता हूँ ऐसे ही। टुडे भी यहाँ से उठाता हूँ मैं और ये डेट एंटर्ड भी यहाँ से उठाता हूँ मैं, ये एज वाले को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, इसको भी देखेंगे, इसका भी कुछ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे प्रॉब्लम किस में आ रही है, फ़िलहाल मुझे प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और डेट एंटर्ड। अब मुझे यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए, दोनों में 0 चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं कहूँगा न्यू डेट और मैं बोलूँगा कि भाई 00:00:00, 00 से उठाओ भाई न्यू डेट। सही है, ज़्यादा पुरानी डेट उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा 26 इसका है और 2021 का हमारा बच्चा है, सेफ।
अभी ये 23 आवर बता रहा है और 15 मिनट बता रहा है, ये भी गलत बता रहा है। अच्छा नहीं, असल में आज की डेट मुझे 12 से उठानी है ना। नहीं यार, आज की डेट 12 से क्यों उठानी है मुझे, इसकी डेट मुझे 23 से उठानी है। 23:59:59 ये मुझे करनी है असल में। अब देखते हैं यार, यू आर ज़ीरो यार, ज़ीरो यार, अरे ये तो लेफ्ट वाला ज़ीरो ही आ गया बिल्कुल ही। इनवैलिड डेट कैसे हो गया ये? अच्छा 23:59:59, एक मिनट यार, ये मैं बगैर सोचे समझे कर रहा हूँ ना, ये कोई मसला हो रहा है इसकी वजह से। अच्छा ये इनवैलिड डेट हो गया ना, सही है सही है सही है सही है, ये इनवैलिड डेट हो गया। हाँ जी प्यारे दोस्त। अच्छा मुझे न्यू डेट में ना टाइम ज़ीरो नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू डेट से ही तो मुझे पता चलेगा कि इस वक्त 11:47 हो रहे हैं। मुझे न्यू डेट से ही तो पता चलेगा कि इस वक्त 11:47, इसको तो मुझे ज़ीरो करवाना नहीं है। मुझे खेलना कुछ इसके साथ ही है, मुझे इसी के साथ कोई ऐसा खेल खेलना है कि ये जो है ना मेरा बिल्कुल सेट वैल्यू देना शुरू कर दे। अभी इसको मैंने ज़ीरो किया, इसको 23 करके भी देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है। अरे सही आ गया ना बिल्कुल, 12:09, बिल्कुल सही आ गया यार। पहले भी तो मैं यही कर रहा था, पहले क्यों नहीं आ रहा था ये? अच्छा पहले मैं इसमें नहीं कर रहा था, पहले मैं कर रहा था एज वाले में, इस वाले में कर रहा था पहले मैं, इस वजह से वो मसला कर रहा था। ठीक है ये पहले मैंने इस वाले में किया ना जब, अच्छा एंटर्ड जो भी डेट थी उसमें मैंने 12 बजे का टाइम सेट करवा दिया। ठीक है कि भाई इतने तारीख को रात को 12 बजे बच्चा हमारा पैदा हुआ है, तो वो फिर क्या कर रहा है एग्जैक्टली उसी दिन, यानी अगर मैं कल की डेट डालता हूँ, जैसे मैंने कल की डेट डाली है 26 जुलाई, तो 26 जुलाई शुरू होने में इस वक्त 15 मिनट बाकी हैं या शायद 12 मिनट बाकी हैं, तो ये मुझे एग्जैक्टली 12 मिनट दिखा रहा है। ठीक है अच्छा अब इसको हम जल्दी से स्क्रीन पे प्रिंट कर लेते हैं, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। ओए होए होए होए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, सेट इंटरवल, ठीक है सेट इंटरवल वापस कर दिया इसको। अच्छा अब हमें क्या करना है भाई, ये जिसका कोड था वो ज़रा ओपन करो अपना माइक, क्या तुमने सेट करवाया था इसमें भाई बताओ ज़रा मुझे। हिडन, हिडन में काउंटडाउन है, काउंटडाउन में डे एक, अबे क्लास क्यों दिया भाई डे को, भाई आईडी दे दो ना, आईडी देने से आसानी होगी। ओके चलो आईडी भी दे देता हूँ मैं इसको डे। ठीक है इसको आवर दिया हुआ है, आईडी आवर आवर्स, यार आवर में एस है बाकी में नहीं है, तो मैं किसी को भी एस नहीं देता फिलहाल के लिए। सेकंड ठीक है, तो अब मुझे क्या करवाना है, जो लेफ्ट वाला था सबसे पहले उसको देखते हैं, उसको आके हम क्या करते हैं, ये जो कॉन्सोल था इसके फौरन बाद मैं करता हूँ कि भाई लेट अपने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डेज में मैंने ये लगा दिया, और मैंने आवर था आवर में मैंने कह दिया नेक्स्ट बर्थडे इन आवर, उसके बाद मिनट्स, मिनट वाले में मैंने कह दिया नेक्स्ट बर्थडे इन मिनट्स, उसके बाद सेकंड को मैंने कह दिया नेक्स्ट बर्थडे इन सेकंड्स। सही है करते हैं ज़रा इसको। अच्छा इसका वो भी तो था ना एक हिडन, विजिबल को उठा के हिडन से ख़त्म करना है उसको, तो एक इसके लिए भी मुझे ये चाहिए होगा विजिबल और डॉट
रिमूव क्लास होता है, क्या होता है रिमूव एट्रीब्यूट्स क्लास? अच्छा, क्लास उड़ाने से कुछ और तो नहीं उड़ेगा? हाँ, कुछ और है ही नहीं इसके ऊपर। सही है, रिमूव एट्रीब्यूट क्लास। मैंने इसको विजिबल से क्लास से उड़ाया तो ये विजिबल हो जाना चाहिए। मैंने 26 बताया, सबमिट किया। और ये क्या हुआ, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी नल ऑफ इनर एचटीएमएल। ये कौन से पे आया है? लाइन नंबर 65 पे आया है, 65। ये डेज में एस लगा दिया ना मैंने, ठीक है भाई, डेज में मैंने एस लगा दिया था। 26 है, और हमारा जो बच्चा है भाई वो अभी कितने का हो गया है, 8 मिनट रह गया है हमारे बच्चे के बर्थडे को स्टार्ट होने में। ठीक है, अभी 51 हो चुका है, 11:51, 8 मिनट में 12 बजेंगे और 26 जुलाई स्टार्ट हो जाएगी और हमारे बच्चे की बर्थडे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको बोलता हूँ नहीं भाई 27 जुलाई है, तो फिर फौरन क्या हो जाएगा, कोड ब्रेक तो नहीं हो गया? मैंने 27 जुलाई लिख के एंटर कर दिया, तो ये चेंज क्यों नहीं हुआ? सर वन डे में आ गया वो। अच्छा, वो डेन डे वन हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं असल में आवर को देख रहा था, ये बढ़ेगा। अच्छा, अब मैं इसको अगर बढ़ा देता हूँ काफ़ी, और ये तो खुद ही बढ़ता चला जा रहा है बगैर सबमिट का बटन प्रेस किए, ये क्या सीन है यार? अच्छा, नहीं ये पता है क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि जो टाइम, ये जो चल रहा है ना गेट टाइम लेफ्ट, ये हर दफ़ा जब फंक्शन चलता है तो ये वैल्यू उठाता है जाके उससे, जो वो है ना बॉक्स है इनपुट बॉक्स, वहाँ से ये वैल्यू उठाता है जाके, इस वजह से ये हो रहा है। अगर मैं इसको बाहर कर दूंगा तो फिर ये हर दफ़ा खुद से वैल्यू नहीं उठाएगा। लेकिन वैसे बात सही है, ये काफ़ी अच्छा आइटम हो गया है। मैंने कहा भाई 2008 में हुआ है बच्चा हमारा, 2004 में हुआ है सबमिट। यार ये क्या सीन है, तीसरे महीने में हुआ है, 275 डेज, 216 डेज। हाँ, बढ़ तो रहा है रियल टाइम में, 113। सर ये आवर्स बिल्कुल भी चेंज क्यों नहीं हो रहे? वो आवर्स इसलिए चेंज नहीं हो रहे क्योंकि आवर नाव से उसको कैलकुलेट मार रहा है ना, आवर्स को नाव से कैलकुलेट मार रहा है, तो नाव जो हो रहा है वो 11:53 हो रहा है, 11 ही है, और जो एंटर्ड में मैंने ज़ीरो करके उठाया हुआ है आवर, इसलिए वो आवर को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अभी अभी तो मेरे पास 11:53 हो रहा है ना, अगर शाम के 7 बज रहे होते तो फिर आवर भी आ रहा होता, 3 आवर आ रहा होता फिर। सही, इसको ठीक करने के लिए वो इफ की कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं -12 करके। नहीं नहीं सही तो है, ज़ीरो सही आ रहा है ना, ज़ीरो सही आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, और ये बर्थ वॉच से पहले जो है ना बिल्कुल इसी तरह की एक चीज़ हम लगा देते हैं, इसमें ये नहीं लिखा हुआ रहा ना कि लेफ़्ट, लेफ़्ट वाली बात लिखी भी नहीं आ रही, इसमें लेफ़्ट वाली बात भी तो लिखनी है ना मुझे, लेफ़्ट लेफ़्ट लेफ़्ट। ये स्मॉल करके क्या चीज़ बनाई है, काउंटडाउन बॉक्स डे डे, ठीक है काउंटडाउन ये पूरा है, और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ ठीक है, कर लेते हैं ज़रा रिफ्रेश और 26 लगा के सबमिट मार देते हैं, ठीक है। अब ये लेफ़्ट इन योर बर्थडे जो लिखा हुआ है, इसको बीच बीच में करना, आगे पीछे करना, थोड़ा वो देख लेना, सही है वो कैसे होता है। अब टॉप पे मैं इसको ये बताऊंगा कि अभी आप कितने ईयर ओल्ड हो चुके हो, ठीक है, टॉप पे मैं इसको ये बता दूंगा। तो मैं इधर आता हूँ और टॉप पे आ गया ना मैं, जो फॉर्म से भी पहले बिल्कुल टॉप के ऊपर ना, गिलास के अंदर बिल्कुल टॉप पे, और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये आपने बताना है, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, मैं इसको आईडी दे देता हूँ एज ओल्ड, एयर ओल्ड करके मैंने इसको आईडी दे दी है, ठीक है। इससे बेहतर आईडी भी दी जा सकती थी लेकिन टाइम हमारे पास अभी थोड़ा कम रह गया, तो मैं एयर ओल्ड दे देता हूँ, एक सिंपल सी जो चीज़ मेरे ध्यान में भी आ रही है, ठीक है। और ये एयर ओल्ड वाले का जो कॉन्सोल था ना, इसके बाद आके यहाँ पर मैं कहता हूँ
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, हैश एयरपोर्ट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स, और ये पूरा आइटम जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यू आर इतने एयर, इतने मंथ, आवर इन सेकंड ओल्ड, और ये सेकंड रियल टाइम में चल रहा होगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो मैंने इसके अंदर पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी होगा तो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर ये 26 दिया और सबमिट मारा, ठीक है। यू आर माइनस वन ईयर ओल्ड, माइनस वन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 2022 ही डाल दिया, ठीक है। यू आर ज़ीरो ईयर ओल्ड, 11 मंथ एंड 29 डेज 23 आवर 27 मिनट ओल्ड। अच्छा, अब मैं ज़रा अपना डालता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 20041994, एंटर, ठीक है। यू आर 28 ईयर, 3 मंथ एंड 5 डेज। अच्छा, ये एंड दो तीन दफ़ा नहीं आ गया इसके अंदर, ये एंड क्यों आ गया दो तीन दफ़ा इसमें। यू आर 11 ईयर, इसमें एंड हटा के मुझे कॉमा डालना है, ठीक है। मंथ के बाद भी कॉमा है, ईयर के बाद कॉमा, मंथ के बाद कॉमा, उसके बाद डेज के बाद कॉमा, आवर्स के बाद और मिनट्स के बाद एंड उसके बाद सेकंड चल रहा है। मच बेटर, ठीक है जी। 20041994, एंटर। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, एक प्रॉब्लम है इसके अंदर ये है कि जब मैं क्लिक करता हूँ ना तो एक सेकंड तक कुछ भी नहीं होता, उसके बाद जाके वो कुछ होना शुरू होता है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि सेट इंटरवल में मैंने क्योंकि एक सेकंड डाला हुआ है तो एक सेकंड बाद चलता है। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को एक दफ़ा इस इंटरवल से पहले भी रन करवा दूँगा ताकि इमीडिएट मुझे रिज़ल्ट दे, ठीक है। इमीडिएट मुझे रिज़ल्ट देने के लिए मैं एक दफ़ा इसको पहले भी कॉल करवा दूँगा, सेट इंटरवल से भी पहले, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और जब मैं इसको अब दूंगा ना 26, और आप नोट कीजिएगा ये क्लिक किया मैंने, क्लिक करते ही रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। ये क्लिक करते ही रिज़ल्ट इस वजह से आ रहा है कि मैंने क्या कर दिया है, वहाँ से वो हटा दिया। अच्छा, इसको मैं 2021 कर देता हूँ। हमारा बच्चा अभी 11 महीने का और 29 दिन का और 23 आवर का हो चुका है और 28 मिनट का हो चुका है और 47 सेकंड का हो चुका है, ठीक है। बर्थडे मना, हाँ बर्थडे मना सकता है अभी ये बच्चा हमारा, तो ये वाला सीन है, ठीक है। और ये हमारा काउंटडाउन चल रहा है, चलो भाई 58 57, 12 बजने वाले हैं, अभी केक काटना है बच्चे के लिए हमें। हाँ, ये अभी हमें केक काटना है इसके लिए। अभी ये जो हुआ है ना 11 मंथ, ये जो यहाँ पे 11 मंथ लिखा हुआ है, ये भी पूरा 12 हो जाना चाहिए, मतलब 1 ईयर यहाँ पे भी शो हो जाना चाहिए। जैसे ही ये ज़ीरो होगा ना, बर्थडे होगा उसका, तो यहाँ पे ईयर बदल जाना चाहिए ऊपर टॉप पे, ठीक है। देखते हैं वो बदलता है या नहीं बदलता, क्योंकि हमने ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों रियल टाइम में चला दिया, ठीक है। और जैसे ही ये 12 बजेंगे तो हम अपनी क्लास को भी एंड कर देंगे, क्योंकि एक घंटा ऊपर कर दिया हमने बातों बातों में। अगली क्लास में वो सेट इंटरवल की आईडी का बताइए। कौन सी आईडी का? सेट इंटरवल की जो आईडी होती है। बता तो दिया वो सेट इंटरवल की आईडी वाला। अब और क्या उसमें? समझ गया। इसलिए इस्तेमाल होता है। पहली दफा देखा था हमने। वन सेकंड। चलो इट्स 12 o'clock। यार इसको नहीं बदला। ये नहीं बदला। असल ये माइनस नहीं, ये 6-7 सेकंड ऊपर हो गए हैं इसके, तो 30 मिनट। अच्छा, ये ऊपर वाला भी ना फिर बदलना चाहिए था हमारा ना, ऊपर वाले में भी अब ये कोई हमें चेक लगाना पड़ेगा इस तरह का कि ऊपर वाला भी चेंज हो साथ साथ, ठीक है। आगे लगे चेक लगा देते हैं। ये जो टेल एज है ना, इसको छोड़ के ये मेरे ख्याल है एक को हमने ज़ीरो करवाया था, दूसरे को नहीं करवाया था, तो ये जो हमने इसको ज़ीरो करवाया था ना, ये हम दूसरे को भी करवा देते हैं, तो वो पूरा 1 ईयर शो करना चाहिए फिर इसको, ठीक है। लेकिन इसको ज़ीरो करवाने से दूसरी चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ेगा, वो भी हमें फिर काउंट में लेना पड़ेगा कि दूसरी चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैंने कहा भाई अच्छा नहीं, 26 ही लगाता हूँ इसको मैं, 26 है और 2021 है। अच्छा, ये एयर वन नहीं हुआ अभी भी,
ठीक है, ये माइनस में चला गया, लेकिन ये 1 ईयर अभी भी नहीं हुआ। इसको पूरा 1 ईयर शो करना चाहिए था। 11 मंथ 30 डे जो शो कर रहा है ना, ये 11 मंथ 30 डे और 4 आवर, ये नहीं करना चाहिए था इसको। इसको पूरा 1 ईयर शो करना चाहिए था, और 1 ईयर के बाद ना अभी ये 12 सेकंड होने चाहिए थे, 12 सेकंड या 2 मिनट। अब ये 30 मिनट पे गया हुआ है, 4 आवर 30 मिनट पे। ठीक है, 30 डे हो चुके हैं, यानी 11 मंथ भी शो कर दिया, 30 डे भी शो कर दिया, तो 30 डे का तो पूरा महीना होता है। ये 31 पे जाके इसको काउंट करेगा क्या? और 4 आवर ऊपर निकल चुका है, 31 मिनट भी आ चुका है। वेल, इसके अंदर अभी भी एक प्रॉब्लम है जी सर। ये 31 जुलाई 31 डेज होता है शायद जुलाई के अंदर, शायद नहीं। नहीं, ये तो ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन में तो 30 डे ही काउंट होने चाहिए। वेल, अब ये एक एक प्रॉब्लम है, इसको देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है सर। ठीक है, तो मुख्तलिफ चीज़ें दे देंगे ना, मुख्तलिफ इनपुट देंगे, हमें इस तरह चेक करना होता है कि भाई ये मसला है कहाँ पर, सारी चीज़ों को प्रॉपरली हमें चेक करना होता है। ठीक है, अभी हमने कर दिया 27, तो अब देखो 23 आवर शो हो रहा है। अब हमने कल की बर्थडे सेट कर दी है, आज 26 था ना, 26 जुलाई शुरू हो गई है, तो मैंने 27 की सेट की है, तो 23 आवर हो गई। तो हमने लेफ़्ट वाला जो था ना, उसको तो बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। इस वाले में अभी भी कुछ ग्लिचेज हैं, उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या ग्लिचेज हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है इसके साथ ही हम यहाँ पे क्लास को ख़त्म करते हैं, और हमारे पास अभी जो है कोड पुश कर दूंगा, बिल्कुल पुश कर दूंगा कोड। ये लो और बोलो सर, तुम लोग हल निकालो, अब हर चीज़ मैं थोड़ी करके दूंगा। ये एयर ओल्ड वाला ना सही कर लो, इसमें देखो इसको कोड को स्टडी करो, इसी को चेंज करके इसको सही करके मुझे कल दिखा देना, सही है। और स्विच केस पढ़ेंगे हम कल भाई, ये सब लोग बना लेना अपने हाथ से, ताकि टाइम का कुछ पता चल जाए। ये जो मैंने काम किए ना इतने सारे, ये अपने हाथ से करना है, इसको देख के कर लेना भले, लेकिन अपने हाथ से कर लेना। अगर ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही, कोई दूसरा तरीका बेहतर लग रहा है, उस तरीके से कर लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, चलो।